सूरतुल कहफ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा। ये पॉइंट मैं नोट करा चुका हूं कि आखिरी आयत क्या थी, कुलिल्हम्दुलिल्लाह, कहो कुलहम्दुलिल्लाह के लिए है। ये आखिरी आयत थी सूरह बनी इसराइल की, और सूरह कहफ की आज शुरू हो रही है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, गोया कि उस हुक्म की तामील जो है उससे आगाज हो रहा है इस सूरह मुबारका का। इसको मैंने कहा था ये इंटरलॉक्ड हैं दोनों सूरतें जो हैं। जैसे आता है तौरात में कि हज़रत याकूब अपने भाई ईसु की एड़ियाँ पकड़े हुए तवल्लुद हुए, ये जुड़वा पैदा हुए थे दो भाई ईसु और याकूब। ईसु बड़े थे, यानी बड़े इस्मानी में जो भी होते हैं जुड़वा, उनमें जो पहले जिसकी विलादत हो जाए वो बड़ा होता है, चाहे दो मिनट का फ़र्क हो पाँच मिनट का फ़र्क हो। तो उसकी विलादत के बाद फिर हज़रत याकूब, तो अकब कहते पीछे को, पीछे आने वाला, याकूब इसलिए उनका नाम पड़ गया है कि ये पिछला है। जो पहला था वो ईसु था, ईसु के बारे में कुछ मालूम नहीं, उनकी औलाद वगैरह किधर गई, बहरहाल वो एक अलहदा बहस है। तो इसी तरीके से ये सूरह कहफ जो है गोया के सूरह बनी इसराइल की एड़ियां पकड़े हुए कुरान मजीद में वारिद हो रही है। इसमें आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिही, वही अल्लाह ताला ने अल्लाह के अपने रसूल की जो नस्बत है उसको अब्द के नुमाया किया है। किताब नाज़िल की वलम यजअल लहू इवजा, और उसमें कोई कजी नहीं रखी, क़य्यमन, सीधी, ठीक ठीक, रोशन, मुबीन, लियुनज़िरा बासन शदीदन। अब ये है लफ्ज़ जो बहुत ज़्यादा गौर करने के काबिल है। इस किताब के हुजूर पर नुज़ूल के मकासिद में से एक ये भी है, खबरदार कर दें एक बहुत बड़ी आफत से। वैसे बासन जब वाहिद आता है तो आमतौर पर इसके मानी जंग होते हैं, जब जमा में आता है तो सख्ती, मुसीबत, भूख, फाका, ये सारे बासा। आयतुल बिर में भी हमने पढ़ा वसाबरीन फिल बासाए वद्दर्राए वहीनल बास। बासा जब जमा में आया है तो फक्र फाका, तकलीफ, मुसीबत, और हीनल बास जंग के वक्त। तो इन दोनों को ज़हन में रखिए, बहुत बड़ी आफत, बहुत बड़ी आफत, बहुत बड़ी आफत। एक तो है दज्जाली फितने की, दज्जाल, अल मसीहुद दज्जाल जो आने वाला है, जिसके बारे में हदीस में आता है कि कोई नबी और रसूल ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी कौम को दज्जाल के फितने से आगाह न किया, और पूरी इंसानी तारीख में दज्जाल के फितने से बड़ा कोई फितना नहीं होगा। और वह इन हर बंदे मोमिन के इम्तिहान के लिए कड़ा तरीन जो है मरहला आ जाएगा, सख्त तरीन इम्तिहान उसका लिया जाएगा। तो ये जो सख्ती है उसकी खबर देते हुए ये सूरह मुबारक नाज़िल हो रही है। और ख़ास तौर पर इसे बासन अगर जंग के मानी में लें तो अलमलहमतुल उज़्मा, किताबुल मलाहिम, जो कि आप देखेंगे अहादीस की किताबों में पूरा बाब है किताबुल मलाहिम, और उसका ताल्लुक भी दज्जाल के साथ है, क्योंकि फिर दज्जाल ही को कत्ल करेंगे हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम नाज़िल होकर। तो ये सारा मसला जो है उसकी खबर देने के लिए, क़य्यमन लियुनज़िरा बासन शदीदन मिन लदुन्हु, गोया कि ये जो अहादीस की किताबों में आपको हदीस के अबवाब मिलते हैं, चाहे वो किताब अलफितन हो और चाहे वो किताब जो है आसार क़यामा है, इस तरह के जितने भी हैं, और किताबुल मलाहिम है, ये गोया कि इसकी शरह है, लियुनज़िरा बासन शदीदन मिन लदुन्हु, और ये होगा भी ख़ास अल्लाह की तरफ से। ये आजमाइश भी, ये दज्जाल का फितना भी, ये बहुत बड़ी जंग भी, जिसको आर्मगेडॉन कहते हैं, क्रिश्चियन जो ट्रेडिशन है उसमें उसके लिए लफ्ज़ है आर्मगेडॉन, एक बहुत बड़ी जंग होगी। डिक्शनरी में भी आप देखेंगे कि खैर और शर की कुव्वतों के दरमियान इस दुनिया के खात्मे से पहले एक बहुत बड़ी जंग होनी है जिसका नाम ये आर्मगेडॉन है। लियुनज़िर बासन शदीदन मिन लदुन्हु वयुबश्शिर अल-मोमिनीन अल्लज़ीन यअमलून अस-सालिहात, और ताकि बशारत दे वो उन अहले ईमान को जो नेक अमल करते हों, अन्न लहुम अजरन हसना, कि उनके लिए होगा बहुत अच्छा बदला, मा किसीन फीह अबदा, और वो उसमें रहेंगे हमेशा हमेश। ये जो दज्जाली फितना है उसके साथ एक ख़ास मुनासबत है सूरह मुबारक की। अहादीस में आता है कि दज्जाली फितने के असरात से बचने के लिए इस सूरह मुबारक से ज़हनी और कल्बी रिश्ता मुफीद है, इसकी तिलावत करते रहना ख़ास तौर पर जुमे के रोज़, पूरी सूरह कहफ, वरना यह कि कम से कम इसकी इब्तदाई और आखिरी आयात, उनकी बड़ी अहमियत है। दज्जाली फितना असल में क्या है समझ लीजिए कि एक तो है दज्जाली फितना बिल उमूम, दज्जाल कहते हैं फरेब को, जैसे कि कोई नबी नहीं है वो उसने फरेबी लिबादा ओढ़ लिया, नबूवत का दावा कर रहा है, वो दज्जाल है। तो इस तरह की तहदूर ने फरमाया है कि 30 दज्जाल पैदा होंगे, उन्हीं में से एक हमारे ज़माने के अंदर जो है ये गुलाम अहमद कादियानी भी था, वो दज्जाल था जिसने के ऐलान किया कि मैं नबी हूँ जबकि वो नबी नहीं था। तो फरेबी बना हुआ जिसने के मुलम्मा अपने ऊपर चढ़ाया हुआ है।
इसी तरीके से दज्जाली फितना ये जो है इस पूरी दुनिया में इस वक्त जो फितना है वो ये है कि मादा परस्ती का इतना गलबा हो चुका है जहनों के ऊपर, अफकार के ऊपर, लोगों के नजरियात के ऊपर, लोगों के अखलाक के ऊपर, लोगों के अकदार जो हैं, वैल्यूज जो हैं उसके ऊपर, कि वो आखरत को बिल्कुल भूल गए, अल्लाह को भूल गए, असबाब के अंदर गुम है, मुसब्बिबुल असबाब से ज़हूल हो गया, दुनिया ही दुनिया है, आखरत को भूले हुए हैं, मादा ही मादा है, रूह से कोई सरोकार ही नहीं। ये है बिलउमू जिसका नाम दज्जाली फितना है कि हकीकत के ऊपर पर्दा पड़ा हुआ है, आखरत पर दुनिया का पर्दा पड़ा हुआ है। ये दुनिया जो है दर हकीकत क्या है, वमल हयात दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, ये धोखे का सामान है, असल जिंदगी को इसने ढांपा हुआ है, हमने ये समझ लिया कि जिंदगी यही है, इसी के लिए भाग दौड़ मेहनत सुबह और शाम, इसी के मुस्तकबिल की फिक्र है, लेकिन असल जिंदगी उसकी कोई फिक्र ही नहीं है। बाकी एक दज्जाल जो है जो आएगा, वो मामला अहादीस के अंदर भी बड़ी तवालत के साथ है और उसमें काफ़ी पेचीदगियाँ भी हैं, बास चीज़ें जो हैं एक दूसरे से कुछ मुख्तलिफ भी हैं, उसमें फिर अहले इल्म को बहरहाल मुताबिकत पैदा करनी पड़ती है। मैंने जहाँ तक अपनी कोशिश की एक राय तक मैं पहुँचा हूँ, लेकिन अभी मैं उसे बयान नहीं कर रहा हूँ। बहरहाल दज्जाली फितने की खबरें मौजूद हैं बहुत शिद्दत के साथ और इस सूरत का पढ़ना जो है उसमें बहुत मुफीद है। इस सूरत के मजामीन दज्जाली फितना बिलउमूम से क्या ताल्लुक़ है वो तो इस हम दौरे तर्जुमा दौरान के इसके दौरान भी आपको मालूम हो जाएगा, लेकिन इसके जो ख़ास बड़े मबाहिस हैं, ख़ास तौर पर यह कि एक हमारे बहुत बड़े आलिम गुजरे हिंदुस्तान में इस सदी के आगाज़ में, मौलाना मनादिर हसन गीलानी, उन्होंने इसमें बाकायदा किताब लिखी है, आपको मिल जाएगी बाजार में भी, असहाब कहफ के जो का मामला सूरह कहफ के मबाहिस हैं उनके। मैंने इसको अपनी एक तकरीर के अंदर किसी खिताब जुमा में सूरह कहफ के मजामीन का खुलासा बयान किया था, जिसका उनवान है दुनिया की हकीकत। ज़ाहिर बात है तफासिल ज़्यादा जो हैं वो मेरे लिए मुमकिन नहीं है कि इस दौरे तर्जुमा के दौरान बयान कर सकूँ। وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا, और ख़बरदार कर दे उन लोगों को जिन्होंने कहा कि अल्लाह ने बेटा बनाया। ये सारी दज्जालियत जो है इसकी जड़ क्या है, मसीहियत जो मौजूदा मसीहियत है, जो हकीकत में मसीहियत नहीं है, पॉलिज्म है, जिसकी बुनियाद तस्लीस पर है कि अल्लाह का बेटा बना दिया हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को और उन्हें कफ़ारा बना दिया तमाम जो भी मान ले उनको उनके गुनाहों का, पेश की माफ़ी है उनके गुनाहों की जो हज़रत मसीह पर ईमान ले आए, और नंबर तीन शरीयत साकित कर दी, और नंबर चार सारा इख्तियार जो है वो पोप के हाथ में दे दिया गया कि तुम जो चाहो जिस चीज़ को चाहो हलाल करो, जिस चीज़ को चाहो हराम कर दो। इन चीज़ों ने मिलकर नफ्स मज़हब को इस कदर काबिल नफ़रत शय बना दिया कि यूरोप के आवाम के अंदर मज़हब के ख़िलाफ़ शरीर नफ़रत पैदा हो गई। चुनाचे उसके बाद जब मुसलमानों के ज़ेर असर वहाँ पर इल्म फैला है, हस्पानिया की यूनिवर्सिटियों से उलूम और फ़नून जो हैं ये फ्रांस और इटली और जर्मनी के नौजवान आते थे और वहाँ आकर वो कुर्तबा और गरनाता और तलीतला की यूनिवर्सिटियों से पढ़कर जाते थे, तो उनके ज़ेर असर जो एक रेफरमेशन शुरू हुई इस्लाह मजहब और एक रिनाइसेंस तहरीक याउल उलूम, वो जो असल तो तहरीक थी इस बात की कि इंसान इल्म की तरफ दोबारा रुजू करे, लेकिन ये कि वो इल्म जब आगे बढ़ा है तो वहाँ पर ईसाइत के ख़िलाफ़ जो रद्द अमल था उसकी वजह से उसमें मजहब की दुश्मनी जो है उस तहरीक के अंदर ख़ुद ब खुद शामिल हो गई। तो मजहब से बेजारी, रूहानियत का इनकार, आखरत से बिल्कुल बेपरवाही और उसका भी इनकार, और खुदा है या नहीं है इससे कोई सरोकार नहीं, ये जो इस तहजीब के असल में असरात बने हैं सारे, ये उसी गलतियों का ये असरात हैं, नताइज हैं कि जो ईसाई मजहब के अंदर जो ये तहरीफात करके जो गलतियाँ की गई हैं उसको यहाँ कहा गया है कि इन लोगों ने कि जिन्होंने ये अकीदा ईजाद किया, माँ लहूँ बही मिन इल्मिन, इनके पास उसके लिए कोई इल्मी सनद नहीं है, वलाल आबाएहिम, ना इनके आबाव अजदाद के पास कोई सनद थी, कबूरत कलिमतन तखरुजु मिन अफवाहिम, बहुत बड़ी बात है जो इनके मुँह से निकल रही है, बहुत बड़ी गुस्ताखी है जो ये अल्लाह ताला की शान में कर रहे हैं, इन यकूलूना इल्ला कज़बा, ये नहीं कह रहे मगर झूठ, सरासर सीधा सफ़ेद झूठ बोल रहे हैं, फलाल्लका बाक़िउन नफ्सका अला आसारिहिम, तो ऐ नबी शायद कि आप अपने आप को हलाक कर लेंगे इनके जो असरात पड़ने वाले हैं ईसाइत के इस गलत अकीदे के जो नताइज बरामद हुए हैं, जब ये नताइज जाहिर होंगे तो वो इतने संगीन होंगे, फलाल्ल का बाक़ और नफ्स का, कि उनके एहसास से और उनके इदराक से शायद कि आप अपने सदमे से अपने आप को हलाक कर लें, इल्लम यू मिनू बिहादल हदीस असफ़ा, अगर ये लोग इस हदीस पर, इस कुरान पर, यह बात जो बताई जा रही इस पर ईमान न लाए, इस पर ईमान न लाए,
अपने इस गलत अकीदे पर कायम रहे, इस गलत मजहब को इन्होंने बरकरार रखा, तो उसका जो रद्द अमल होगा नौ इंसानी पर और उससे तारीख इंसानी और इंसानी सकाफत जिस गलत रुख पर पड़ेगी, जो दज्जालियत का फितना उसे जन्म लेगा, उन तमाम चीज़ों के असरात से शायद आपको इतना सदमा हो कि फ़लाअल्लका बाख़िउ नफ्सका अला आसारिहिम इल्लम युमिनू बिहादल हदीस असफ़ा। इन्ना जअलना मअल अर्ज़ ज़ीनतल्लाह, हमने ज़मीन के ऊपर जो कुछ है उसे उसका गहना बना दिया है, बनाओ सिंगार बना दिया है, जीनत बना दिया है। ये आप नोट कर लीजिए, लफ्ज़ जीनत और ज़मीन में इसकी ज़ेबाइश और आराइश, ये इस सूरह मुबारका का उमूद है। यानी दिन इसको इतना खुबा दिया है निगाहों में अल्लाह ने कि आखिरत से खुद ब खुद इंसान गाफिल हो जाता है, ये पर्दा पड़ गया है। चमक दमक है, ये कारें हैं, ये बिल्डिंगें हैं, ये कोठियाँ हैं, ये आलीशान इमारतें हैं, ये क्या कुछ इसकी जो यूँ समझिए पॉम्प एंड शो जो है इस वक्त दुनिया का। और जाहिर बात है अमेरिका में जाकर देखिए तो जो कुछ यहाँ देख रहे हैं उससे 10 गुना 100 गुना 1000 गुना आपको नज़र आएगा, अकलें दंग हो जाती हैं। नतीजा क्या निकलता है कि इंसान ये समझता है कि असल शय यही मादा ही है, असल हिदायत पर यही लोग हैं, यही लोग हैं सही मानी में कि जिन्होंने वाकईतन इल्म हासिल किया है। लिहाजा उनकी गलत तहजीब, उनका गलत तमद्दुन, उनके तमाम गलत सकाफत के मामलों के भी हम उसी तरीके से पैरवी कर रहे हैं। ये सारा मसला जो है वो इसलिए है कि ये चमक दमक दुनिया की ज़ेबाइश और आराइश उससे हम मुतासिर हैं। इन्ना जालना माला लर्दे ज़ीनतल्लाह, जो कुछ ज़मीन के ऊपर है उसे हमने इसे इसके लिए बनाओ सिंघार बना दिया, ले नब लोवा हम, ताकि हम आजमाएं इनको, अय्युहुम अहसनु अमला, कौन है इनमें से अच्छे अमल करने वाला। यानी अब यूँ देखिए वो शेर जो एक है, अगरचे ज़रा थोड़ा सा शान बारी ताला के एतबार से तो शायद इतना मुनासिब ना हो, लेकिन यह कि मफहूम को अदा करता है कि रुखे रोशन के आगे शमा रख कर वो ये कहते हैं इधर आता है देखें या उधर परवाना जाता है। एक तरफ ज़ाते बारी ताला है और एक तरफ ये दुनिया है, इसकी चमक दमक है। अब ये परवाना जो है ये इंसान, इसका इम्तिहान है, आया ये अल्लाह और आखरत की तरफ जा रहा है या दुनिया की तरफ और दुनिया की ज़ेबाइश और आराइश की तरफ जा रहा है। जो ज़ेबाइश और आराइश की तरफ चला गया वो गया, तबाह बर्बाद हो गया, फकत खसरा खुसरान मुबीना। और जिसने इस दुनिया की ज़ेबाइश और आराइश इससे मुंह मोड़कर वो जो हकीकत है, जो असल हुस्न अज़ली है अल्लाह ताला का और उसका जो जलाल और कमाल है और जो आखिरत की नेमतें हैं उनको इख्तियार कर लिया, वो कामयाब हो गया। तो इम्तहान इतना ही है कि रुखे रोशन के आगे शमा रखकर वो ये कहते हैं इधर जाता है देखें या उधर परवाना आता है। वइन्ना लजाइलून मा अलैहा सईदन जुरुज़ा, और ये कि जो कुछ भी इस पर है हम एक वक्त आएगा कि इसको बनाकर रख देंगे जैसे कि मैदान जिसमें से कि फसल काट ली गई हो। जब क़यामत होगी क्या होगा यहाँ पर इसी ज़मीन को, ना यहाँ पे कोई वो पहाड़ रह जाएंगे, कूट कूट कर चपटी कर दी जाएगी, ना ये अब ये आपके पास जो है वो स्काई स्क्रेपर्स रह जाएंगे, ना ये आलाशानी इमारतें होंगी, कुछ नहीं होगा। ये सब बराबर होगा जैसे कि किसी खेत के अंदर फसल काट दी जाती है तो अब वो पड़ा होता है वीरान। वइन्ना लजाइलूना मा अलैहा सईदन जुरुज़ा, हम इसे करके छोड़ेंगे ऐसा खेत कि जहाँ पर चूरा पड़ा हुआ हो, सिर्फ बचा खचा जो है वो उसका तूड़ी का और कुछ ना हो। अम हसिबता अन्ना असहाबल कहफ व रकीम कानू मिन आयातिना अजबा, अब यहाँ से असहाब कहफ की बात शुरू हो रही है, क्योंकि पूछवाया था यहूदियों ने असहाब कहफ कौन थे। क्या तुम समझते हो कि असहाबल कहफ व रकीम, रकीम जो है उनकी तख्ती थी एक जिसके ऊपर उनके हालात लिख कर जो उनके एक जो कहफ थी उनकी गार जो थी उसके ऊपर लगा दी गई थी, तो उन्हें असहाबुल कहफ भी कहते हैं, असहाबुल रकीम भी कहते हैं, ये दोनों उन्हीं एक ही ग्रोह के नाम हैं। क्या वो तुम्हारे ख्याल में हमारी बड़ी अजीब आयात में से था? यानी वाकईतन बात तो एक गैर मामूली थी, लेकिन हकीकत में हमारे यहाँ तो हमारी तख्लीक में हमारी सन्नाई में उससे हज़ारों गुना ज़्यादा अजीब बातें होती हैं। हमारे लिए तो कोई शय है ही नहीं किसी भी दर्जे में, तुम समझते हो कि शायद वो बहुत बड़ी बात है। यह साबिक कहफ का जो किस्सा है, अब मैं समझता हूँ कि पूरे वसूख के साथ हम कह सकते हैं कि यह किस्सा क्या था। देखिए जब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम आए हैं तो ये पूरा इलाका जो है फिलिस्तीन का और यहाँ पे जो आपने तबलीग की है तो ये उस वक्त रोमन एम्पायर का एक हिस्सा था। अगरचे मकामी तौर पर एक लोकल बादशाह जो था यहूदी वहाँ पर हुकूमत कर रहा था, लेकिन वह पपेट था, असल में तो हुकूमत जो थी रूमियों की, जो रूमी थे बुत परस्त। और उसके बाद चूँकि इन्होंने बगावत की, हज़रत मसीह तो उठा लिए गए 30 ईस्वी के आसपास या 33 ईस्वी के आसपास, लेकिन उसके बाद जो है इन यहूदियों ने बगावत की रूमियों के ख़िलाफ़, जिसके नतीजे में 70 ईस्वी में टाइटस रूमी ने तो इनकी हुकूमत भी ख़त्म की
और बैतुल मक़दिस को बर्बाद किया, यरूशलम को तबाह किया, 133,000 यहूदियों को कत्ल किया और इनको भेज दिया, निकाल दिया वहां से बाहर। उस वक्त का मामला यह है कि अब कोई इक्के दुक्के जो भी रह जाते थे यहां पर, कोई यहूदी या ईसाई, ईसाई यहूदियों को तो निकाल दिया, ईसाई रह गए, लेकिन ईसाइयों पर भी बहुत जुल्म होता था। ये मुवाहिद थे, हजरत ईसा के मानने वाले, वो बुतपरस्त थे। तो उस जमाने में कहीं बादशाह कोई था, डीसीएस या दकियानूस जिसको कहते हैं, उसके जमाने में कुछ जो ईसाई थे हजरत ईसा पर ईमान रखने, आज के ईसाइयों पर कयास न कीजिए, जो नसारा थे हजरत ईसा को मानने वाले जो मुवाहिदीन थे, उनमें से कुछ नौजवानों की पेशी हुई बादशाह के दरबार में। उन्होंने कहा कि तुम अपनी इस अपने नए दीन से अगर बाज नहीं आओगे, इतने दिन की मोहलत तुम्हें दी जा रही है, तो तुम्हें सूरी चढ़ा दिया जाएगा, बस मोहलत दी जा रही है, जाओ और कर लो, सोच लो। उन लोगों ने आकर सोचा कि अब ना तो हम, हमारे लिए ये मुमकिन है कि हम मुकाबला कर सकें, चलो किसी गार में छुप जाते हैं, देखें अल्लाह ताला क्या करता है हमारे लिए। वो एक गार में जाकर छुप गए और गार में जाकर छुपे हैं तो अल्लाह ने उन्हें वहाँ पर सुला दिया, मौत तारीख सुला दिया, अल्लाह करवट भी बदलवाता रहा उनके लिए, सारा कुछ बंदोबस्त किया, अल्लाह की कुदरत में था। हजरत उज़ैर को 100 बरस के लिए मार दिया था, मौत के बाद उनको दोबारा जिंदा कर दिया, लेकिन ये कि इनका मामला ये है कि इनको वहाँ पर जो है तकरीबन 300 बरस ये वहाँ पर पड़े रहे उस गार के अंदर। गार की शक्ल कुछ ख़ास ऐसी थी कि उधर आना जाना लोगों का था ही नहीं, और ये है जो मौजूदा तुर्की के इलाके में शहर एफ़ेसस है एक, उसके आसपास है इस तरह के गार, जैसे अजंटा के गार हिंदुस्तान के मशहूर हैं, ऐसे ही वहाँ भी गारों का सिलसिला है, और हैं भी वो ऐसे कि उनके दहाने जो हैं वो हैं शिमाल की जानिब, तो धूप उनमें बराह रास्त नहीं जाती, सिर्फ ये कि रिफ्लेक्टेड लाइट तो आती है लेकिन ये कि बराह रास्त धूप नहीं जाती, तो एक तरह का अंधेरा सा उसके अंदर ट्वाइलाइट जिसे आप कह लें वो रहता है सारा दिन। वहाँ पर ये 300 बरस तक सोते रहे। इस 300 बरस के अरसे में ये हुआ कि रोमन अम्पायर जो है उसने खुद ईसाइत इख्तियार कर ली। 300 ईस्वी के अंदर कॉन्स्टेंटाइन जो था एम्परर वो ईसाई हो गया, अब पूरी अम्पायर जो ईसाई हो गई। अब उसके ज़माने में उसके बाद थियोडोसियस है एक, 446 ईस्वी में ये था, उसके ज़माने में अल्लाह ताला ने इन लोगों को जगाया 300 बरस के बाद। अब ये समझ रहे हैं कि वही ज़माना है, वही कुफार की हुकूमत है, वही मुशरिकीन है। अब इन्होंने डरते डरते अपने किसी एक आदमी से कहा, भाई जाओ ये लेके सिक्का लेकर जाओ, चांदी का आओ, कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए लेकर आओ, देखना लेकिन इस तरह हो कि हमारा पता ना चल जाए कि हम यहाँ छुपे हुए हैं। वहाँ जो गए उन्होंने वो सिक्का पेश किया और कहा, ये सिक्का तुम्हारे पास कहाँ से आया, ये तो बहुत पुराना सिक्का है, तो 400 साल पुराना, 300 साल पुराना सिक्का कहाँ से ले आए तुम, तुम्हें कोई खजाना मिला है? बहरहाल इस हवाले से अब वो जो है वो पकड़े गए, उनकी हालत जो है वो जो बात सामने आ गई। लेकिन जब बात सामने आ गई तो अब उनका तो बहुत यानी वो इज्जत की गई, इसलिए कि अब तो जो उनका मजहब था दर हकीकत पूरी ममलकत का मजहब वही हो चुका था, तो सूरत हाल तो तब्दील हो चुकी है। फिर यह कि उसके बाद तफसील मालूम नहीं है कि गालिबन वो जाकर अपनी उसी गार में वो सो गए हैं या दोबारा अल्लाह ने उन पर वहीं पर मौत तारी कर दी है, उसका दरवाज़ा बंद करके और उस पर एक तख्ती लगा दी गई है। ये असाब कहफ है। गिब्बन की जो है डिक्लाइन इन फॉल ऑफ रोमन एम्पायर, उसमें भी ये 7 स्लीपर्स 7 सोने वाले उनकी कहानी मौजूद है। ये चीज़ जो है गोया के रोमन लिटरेचर के अंदर मौजूद थी, इसका जो जिक्र मौजूद था, और कुरान मजीद में ये इम्तिहानन सवाल किया गया हुजूर से तो उसका जवाब दिया गया कि ये 300 बरस तक कुछ लोगों को सुला देना, ये अल्लाह ताला के नज़दीक तो कोई बड़ी बात नहीं है, तुम्हारे नज़दीक। अम हसिबता अन्ना असहाबल कहफ वर रकीम कानू मिन आयातना अजबा इज़बल फितयतु इलल कहफ, जबकि वो नौजवान आए अपने उस गार में, फ़कालू और उन्होंने कहा, रब्बना आतना मिन लदुनका रहमतन, परवरदिगार अब खास अपने खजाने फजल से हमारे लिए रहमत का बंदोबस्त फरमा, वहीय लना मिन अम्रिना रशदा, और हमारे लिए हमारे मामले के अंदर जो है वो कोई आफियत का बंदोबस्त फरमा, फदरबना अला ज़ानेहिम, तो हमने थपकी दे दी उनके कानों पर, फिल कहफ सिनीन अददा, उसी वो गार के अंदर जो है वो सोते रहे कई साल। अभी यहाँ इस बात को नहीं छेड़ा कितने साल, सिनीन अददा मुतअद्दिद साल वो सोते रहे, सुम्मा बासनाहुम, फिर हमने उन्हें उठाया, ले नालमायुल हिजबैन अहसाल माल अबेसु अमदा, ताकि हम देखें कि दो ग्रोहों में से किसको सही मालूम है कि कितने अरसे वो वहां रहे थे। इसका जिक्र आगे आ जाएगा, दो ग्रोहों से मुराद क्या है। नहनु नकुस्सु अलैका नबाहुम बिल हक, ए नबी हम आपको उनका ये किस्सा सुना रहे हैं, बयान कर रहे हैं उनके हालात हक के साथ, सही सही बिला कमो कास्त, इन्नहुम फितयतुन आमनु बिरब्बिहिम, वो चंद नौजवान थे जो ईमान लाए अपने रब पर, तौहीद के साथ ईमान लाने वाले, वज़िदनाहुम हुदा, और हमने उनकी हिदायत में और इजाफा फरमाया,
وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ہم نے ان کے دلوں کو ڈھارس دی، مضبوطی دی، دلوں کے اندر ثبات پیدا کر دیا، اِذْ قَامُوا، جب وہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہوئے، اور جیسے کبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بات کی تھی اسی طرح ڈٹ کر انہوں نے بات کی، اس قامو فقالو، اور انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارا رب تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم کسی اور رب کو ماننے کے لیے تیار نہیں، کسی اور دیوی کو، کسی دیوتا کو، کسی بت کو ہم ماننے کو تیار نہیں، لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ہم اس کے ایک الہ کے سوا کسی اور کو پکارنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم نے اگر ایسی کوئی بات کہی تو یہ تو عقل سے بہت دور کی بات ہو جائے گی، ہاؤ لائے قوم اتخذوا من دونہ آلہا، یہ جو ہماری قوم ہے اس نے بہت سے آلہا جو ہیں اختیار کر لیے ہیں اللہ کے سوا، انہوں نے اختیار کر لیے ہیں بہت سے آلہا اس کے سوا، لولا یاتون علیہم بسلطان بین، تو کیوں نہیں وہ پیش کرتے ان کے اوپر کوئی دلیل، کوئی سند، کوئی اللہ کی طرف سے اتاری ہوئی سند ہو، کوئی آسمانی کتاب ہو، فمن ازلم ممن افترا علی اللہ کذبا، تو کون ظالم ہوگا اس شخص سے بڑھ کر کہ جس نے اللہ تعالیٰ کی طرف جھوٹ گھڑ کر منسوب کر دیا، تمہارے لیے اب مہلت صرف چند دن کی ہے، اس میں تم فیصلہ کر لو، اگر تم اپنے دین سے واپس نہیں پھرو گے اور ہمارے دین میں واپس نہیں آؤ گے، اپنے دین کو چھوڑ کر نئے دین کو، تو تمہیں ہم ہلاک کر دیں گے، اب یہ وہاں سے جا کر مشورہ کر رہے ہیں، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اور دیکھو جب تم نے اب ان سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا ہے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور ان ہستیوں کو بھی تم نے چھوڑ دیا جن کی پرستش کرتے ہیں اللہ کے سوا، فَاوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو اب آؤ کسی کھو میں، کسی غار میں پناہ لے لیں، يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا رب تمہارے لیے وہاں کوئی رحمت کا سامان کر دے گا، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے معاملے کے اندر اللہ تعالیٰ خاص اپنی طرف سے کوئی نرمی اور کوئی آسائش کا سامان پیدا فرما دے گا، وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ، اور تم دیکھو کہ سورج جب طلوع ہوتا تھا تو وہ ان کی اس غار سے کنی کتراتا ہوا داہنی طرف نکل جاتا تھا، یعنی براہ راست دھوپ جو ہے اس میں نہیں آتی تھی، وَإِذَا غَرَبَتْ، جب ڈوبتا تھا، تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ، تو بھی وہ کنی کترا جاتا تھا بائیں طرف، تو گویا کہ سورج جو ہے یوں جا رہا ہے اور اس غار کا جو منہ ہے وہ شمال کی طرف ہے، لہذا براہ راست جو ہے داہنی طرف سے ہو کر بائیں طرف سے ہو کر سورج نکل گیا، دھوپ جو ہے براہ راست اس پر نہیں آ رہی، اسی اصول پر آج کل جو بڑی بڑی بلڈنگز بنتی ہیں جو کارخانوں کی اور ملز کی، اس میں یہ نارتھ لائٹ شیلز بنائے جاتے ہیں، ایسے شیل روف کی ہوتے ہیں کہ جس میں پھر جو روشنی جو ہے وہ نارتھ کی طرف سے لیتے ہیں، کیونکہ ہمارے ہاں جو سورج ہے وہ کبھی بھی نارتھ میں نہیں جاتا، لہذا جو ہے سورج براہ راست کبھی نہیں آئے گا بلکہ انڈائریکٹ لائٹ آئے گی، وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ، اور وہ جو اس غار تھی اندر سے کھلی تھی، اس کھلی غار کے اندر جا کر وہ لیٹ گئے، سو گئے، ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ، جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے وہی ہے کہ جو ہدایت یافتہ ہوتے ہیں، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے، جس کی گمراہی کا فیصلہ فرما دے، پھر اس کے لیے تم نہیں پاؤ گے کوئی بھی جو حمایتی ہو، مددگار ہو، اس کو راہ پر لانے والا، وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا، صورتحال ایسی تھی کہ تم اگر اس کو دیکھتے تو یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں، وَهُمْ رُقُود، حالانکہ وہ سو رہے ہیں، وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، ہم ان کو کروٹیں بھی دلواتے رہے، داہنی طرف بھی بائیں طرف بھی، تاکہ یہ کہ وہ بیڈ سورز نہ ہو جائیں، ہم جدید اصطلاح میں اگر استعمال کریں تو کروٹ بھی دلوا رہا ہے اللہ تعالیٰ کو ہر قدرت حاصل ہے، اس کے فرشتے معمور ہیں جو کر رہے ہیں، نرسنگ بھی ہو رہی ہے، ذات الشمال وقلبهم باسط ذراعیہ بالوسید، ان کا ایک کتا بھی تھا جو اپنے دونوں ہاتھ پھیلا کر، دونوں اگلے جو ہیں پاؤں جو ہاتھ اس کو سمجھیے، وہ اس کے کوئی بہت ہی خونخوار قسم کا کتا تھا جو اس غار کے منہ پر اپنے دونوں ہاتھ پنجے آگے پھیلا کر بیٹھا ہوا زور سے، اس کا نتیجہ کیا نکلتا تھا، لب اطلاعت علیہم، اگر اچانک تمہارا کہیں وہاں گزر ہو جائے، لب ولیت منہم فرارا ولب ولیت منہم رعبا، تو وہاں سے تمہارے اوپر غروب طاری ہو جائے، خوف طاری ہو جائے، اور میں وہاں سے تم بھاگو، کہ بڑا بھیانک منظر ہے، ایک کہف ہے، اندر اندھیرا ہے، اور آگے جو ہے بڑا کوئی ٹیریئر بل قسم کا کتا جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے، خوفناک قسم کا، اور اس نے اپنے پنجے بھی آگے کیے ہوئے ہیں، ولب ولیت منہم رعبا، وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اسی طرح پھر ہم نے انہیں ایک وقت میں اٹھایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے سوال کریں، قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ، ان میں سے ایک نے کہا کتنے عرصے یہاں ہم رہے ہوں گے، کیا خیال ہے آپ کا، قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، انہوں نے کہا کہ ہم رہے ہوں گے ایک دن یا دن کا کچھ حصہ، تھوڑی سی نیند ہم نے لی ہے، استراحت کی ہے، اور کیا کیا، قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، کچھ اور تھے، انہوں نے کہا چھوڑو اس بات کو،
अल्लाह तुम्हारा जानता है कितनी देर रहे, दो घंटे रहे, दो दिन रहे, क्या पता, हमें क्या मालूम। फबासु अहदकुम बिवरिकिकुम हाज़िही, तो लो ये चांदी का सिक्का, वर्क जो है चांदी को कहते हैं, तो इसको देकर एक आदमी को भेजो इलल मदीनत शहर की तरफ, फल यंजुर, वो देखे, अय्युहा अज़का ताअमन, कहाँ से कोई पाकीज़ा खुराक मिल सके। जाहिर बात है कि वो उनका जो तसव्वुरात थे, मुवहिद भी थे, तो पाकीज़ा खाना भी चाहते थे। अय्युहा अज़का ताअमन फलियात कुम बिरिस्क मिन्हु, तो उसमें से कुछ हमारे लिए राशन ले आए। वलियतलत्तफ, और देखे कि वो नरमी करे, किसी से झगड़ ना पड़े, कहीं किसी से झगड़ पड़ा और झगड़ने की वजह से फिर कोई शक्ल हो जाए तो हम तक लोग पहुँच जाएँ, तो बड़ी नरमी के साथ वो मामला करे। ये वलियतलत्तफ नोट कर लीजिए, ये तादाद हरूफ के एतबार से कुरान मजीद का निसफ है। वल यतलत्तफ ते निसफ अव्वल में है, लाम ये निसफ सानी में है, यह निसफ है तादाद हरूफ, अल्फाज नहीं हरूफ, अल्फाबेट्स जो है, जो हरूफ की गिनती की गई है उसके एतबार से ये ठीक निसफ हो गया, आधे हरूफ इसके ता पर पूरे हो गए और बकिया आधे जो है शुरू हो रहे हैं लाम से। वलियतलत्तफ और नरमी का मामला रखे, वला युशइरन्न बिकुम अहदा, और ऐसा ना हो कि वो हमारे ऊपर मुतनब्बे कर दे, लोगों को मुतला कर दे, उसका जरिया बन जाए। इन यधरु अलैकुम, अगर वो तुम्हारे ऊपर गालिब आ गए और काबू पा लिया उन्होंने तुम पर, यरजुमुकुम, या तो तुम्हें रजम कर देंगे, अब संसार कर देंगे, औ युईदुकुम फी मिल्लतिहिम, या तुम्हें मजबूर करेंगे और अपनी मिल्लत में, अपने दीन में वो वापस लेकर जाने ले जाएंगे। वलन तुफ्लहु इज़न अबदा, और अगर ऐसा हो गया तो फिर हमेशा के तुम फलाह से दूर हो जाओगे, फिर नहीं पा सकोगे फलाह कभी भी। वकज़ालिका असरना अलैहिम, इस तरह हमने मुतला कर दिया उन लोगों पर, यानी अब वहाँ के लोगों ने, शहर के लोगों को मुतला हो गए कि ये लोग, जाहिर बात है कि बड़ा चर्चा हो गया होगा ये कौन है। अब उसने बात बताई, फिर वो आए तो मालूम हुआ कि हाँ वाकईतन इनके हालात, कोई सात आदमी थे होते थे एक ज़माने में, और वो कहीं रूपोश हो गए थे, गुम हो गए थे, कहीं नहीं मिले थे, पूरी ममलकत में तलाश किया गया था, फिर उनके हालात एक तख्ती के ऊपर लिखकर जो है वो खजाने में रख दिए गए थे, वो तख्ती कहीं निकलवाई गई, 300 बरस से ज़ायद पुरानी बात थी, उसके ऊपर वो किस्सा पूरा का पूरा लिखा हुआ मिल गया, तो वो सारी चीज़ जो है वो बात खुल गई। वह कज़ाले का असर ना आलेहिम, और इस तरह हमने ये बात जाहिर कर दी उन पर, ले यालमू, अब इससे क्या क्या चीज़ें वादे हुई, अन्न वाद अल्लाह हक़ुन व अन्न सात अला रैब फीहा, अल्लाह का वादा सच्चा है और यह कि क़यामत के बारे में कोई शक नहीं हो सकता, आतियतुल्ला रैब फीहा, वो आकर रहेगी। इसलिए कि जब 300 बरस तक एक आदमी सोया रह सकता है और फिर वो उठ गया, तो क्या मुश्किल है अल्लाह के लिए कि वो जो मर चुके हों उनको दोबारा जिंदा कर दे। इज़ यतनाज़ऊन बैनहुम अमरहुम, अब वो उनके बारे में आपस में झगड़ने लगे कि क्या करना चाहिए इनका मामला। वो तो जाकर अपनी गार के अंदर दोबारा सो गए और अब अल्लाह ने उनके ऊपर मौत जो है हकीकी मौत वारिद कर दी, अब क्या करना चाहिए। इज़ यतनाज़ऊन बैनहुम अमरहुम, तो उन्होंने जबकि वो आपस में झगड़ रहे थे, फ़क़ालु इब्नु अलैहिम बुनियाना, कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पे एक यादगार तामीर कर दी जाए, एक इमारत तामीर की जाए, मालूम हो कि यहाँ इतना बड़ा वाकया हुआ है तो इस के पास एक यादगार तामीर हो। रब्बुहुम आलमु बिहिम, उनका रब उनसे अब बेहतर वाकिफ़ है। क़ाला अल्लज़ीना ग़लबू अला अमरिहिम, तो जिन लोगों की बात मानी गई, जो गालिब आए अपनी राय के एतबार से, उन्होंने ये कहा, लनत्तख़िज़न्ना अलैहिम मस्जिदा, कि अब हम यहाँ पर एक मस्जिद तामीर करेंगे इनकी याद में। अब यहाँ तक का वाकया बयान करके फरमाया, सयकूलून सलासतुर राबिहुम कल्बुहुम, ये लोग कहेंगे कि वो तीन थे असाबे कहफ़ और चौथा था उनका कुत्ता। वयकूलून खमसतुन सादिसुहुम कल्बुहुम, और कुछ ये कहेंगे कि नहीं वो पाँच थे और छठा था उनका कुत्ता। रजमम बिल गैब, ये सारी बातें जो ये कह रहे हैं ये अंधेरे के अंदर टामक टोइयाँ हैं, ये तीर तुक्के चला रहे हैं अंधेरे के अंदर। वह यकूलून सबअतुन वसामिनहुम कल्बुहुम, और उनमें से कुछ वो भी हैं जो कहते हैं कि वो सात थे और आठवां उनका कुत्ता था। कुल रब्बी आलमु बिइद्दतिहिम, कह दीजिए कि मेरा रब ज़्यादा बेहतर जानता है कि उनकी तादाद कितनी थी। मा यालमुहुम इल्ला कलील, नहीं जानते इस चीज़ को मगर बहुत कम लोग। यहाँ कुरान मजीद ने सराहत तो नहीं की, लेकिन मुफस्सरीन का कहना यह है कि बिटवीन द लाइन बता दिया कि यही राय सही है, इसलिए कि सलासतुन राबिहुम कल्बुहुम खमसतुन सादिसुहुम कल्बुहुम, दरमियान में वाव नहीं है, लेकिन सबअतुन वसामिनहुम कल्बुहुम, इसके अंदर जो है जोर है। दूसरे ये कि जब वो जागे थे तो एक ने सवाल किया था कितने दिन हम रहे होंगे, फिर जवाब में तीन ने कहा था एक दिन या उसका कुछ हिस्सा, इसलिए कि तीन से कम पर जमा का इतलाक नहीं हो सकता। कालू, कालू जो है सीगा जमा का है, तीन से कम पर नहीं, दो होते तो काला होता।
इसी तरीके से फिर जिन्होंने ये कहा कि छोड़ो इस मसले को और किसी को भेजो खाना लाने के, वो भी कम से कम तीन थे, इसलिए कि उन भी कालू के लफ्ज़ के साथ है, तो तीन जमा तीन और एक पूछने वाला वो सात बन गए। वैसे ये कि गिब्बन की किताब में मैंने आपको बताया सेवन स्लीपर्स, ये गोया कि उनकी यहाँ भी जो ट्रेडिशंस हैं उनकी, उनकी रिवायात जो तारीखी चली आ रही हैं उनमें ये कहानी के तौर पर ये चीज़ मौजूद है उनके लिटरेचर के अंदर। तो गोया कि अल्लाह ने तायीद इसी की है, लेकिन ये कि इसमें झगड़ने की ज़रूरत क्या है, फ़ला तुम्हारे फ़ीम इल्ला मिरान ज़ाहिरा, तो इस मामले के अंदर है नबी आप इनसे कुछ ज़्यादा झगड़िए मत, वला तस्तफ़ते फ़ीम मिनहुम अहदा, और ना ही इन चीज़ों के बारे में इनमें से किसी से पूछिए, इसलिए कि ये चीज़ें ऐसी नहीं हैं। इसी में हमारे लिए हिदायत है, जो चीज़ दीनी एतबार से अहम ना हो और जो ख़ास तौर पर जो हमारे लिए जो असल मसला इस वक्त है इकामत दीन की जिद्दोजहद असल मसला, उसके एतबार से जिसकी अहमियत ना हो इसके बारे में ज़्यादा छान बीन करना, ज़्यादा बहसो निज़ा में पढ़ना जो है वक्त ज़ाय करना है, बल्कि वो अपनी उस जिद्दोजहद को नुकसान पहुँचाने वाली बात है। फ़ला तुम्हारे फ़ीम इल्ला मिरान ज़ाहिरा वला तस्तफ़ीते फ़ीहिम मिनहुम अहदा वला तक़ूलन्न लिशैइन, ये बहुत अहम वाक़िया आ रहा है यहाँ। इस वाक़े में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सहव हो गया था, जब ये सवालात किए गए तो हुज़ूर ने फरमाया ठीक है मैं इसका जवाब दे दूँगा तुम आना, और ये कि इंशाअल्लाह नहीं कहा, कल तुम आना मैं तुम्हें जवाब दे दूंगा, इंशाअल्लाह नहीं कहा, साफ हो गया गलती हो गई। लेकिन ये कि अल्लाह ताला ने जिनके जितने रुतबे बुलंद होते हैं फिर उनकी सख्ती भी उतनी होती है, जिनके रुतबे हैं सिवा उनकी सिवा मुश्किल है। हम आमतौर पर ये बातें कहते रहते हैं हमारे लिए अल्लाह ने क्या गिरफ्त करनी है कि इनकी कोई हैसियत ही नहीं, कोई मकाम ही नहीं, लेकिन ये कि जो बुलंद मकाम वाला हो और वह बग़ैर इंशाअल्लाह कहे कह दे कि कल ये हो जाएगा और इंशाअल्लाह ना कहे तो उस पर फिर गिरफ्त हो गई। तो हुजूर की कई दिन गुजर गए कि जिब्राइल नहीं आए और आपके लिए फिर एक मुश्किल पैदा हो गई, गोया कि मुखालिफिन ने तालियां पीट ली होगी, चलो बस फेल हो गए नाकाम हो गए इस इम्तिहान के अंदर जो है वो, तो अब ये कामयाब नहीं हो पाए। उसके बाद जिब्राइल आए, ये वाकयात भी ले आए साथ ही ये हिदायत भी लाए, वला तकूलन लिशैइन इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदा, देखिए कभी ना ये कहिएगा कि ये काम मैं कल जरूर कर दूंगा, इल्ला इंशाअल्लाह, मगर इस इस्तिस्ना के साथ अगर अल्लाह ने चाहा। ये हमारी तहजीब के अब यूँ समझिए कि कुछ कलिमात हैं समाजी हमारे सकाफत के, इनके अंदर जो है तौहीद की रूह जो है वो कूट कूट कर भरी हुई है। कोई अच्छा मंजर देखा सुभान अल्लाह, यानी ये कि इस मंजर में कुछ नहीं है असल में हुस्न अल्लाह का है, फूल देखा सुभान अल्लाह, फूल की तारीफ नहीं कर रहे हैं अब, बनाने वाले की तारीफ है जिसने इतना उमदा फूल बनाया है। कोई आपको कोई तकलीफ रफा हुई, कोई ज़रूरत पूरी हुई अल्हम्दुलिल्लाह, भूख लगी हुई तो खाना खाया अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ अल्लाह के लिए। कोई चीज़ आप अपने घर में दाखिल हुए, मंजर अच्छा लगा, बच्चे खेल रहे हैं, बड़ा अच्छा माहौल है, कहिए माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जो अल्लाह को पसंद है, ये जो कुछ है वो अल्लाह की मशीयत से है, ये कोई मेरी सलाहियत से मेरी कुव्वत से तो नहीं है। इसी तरह से कोई काम करना इंशाअल्लाह, मैं ये काम करना तो चाहता हूँ, इरादा तो है, लेकिन जाहिर बात है कि अल्लाह ताला की मशीयत के बगैर, अल्लाह की मर्ज़ी और इज़्ज़त के बगैर तो नहीं हो सकता। तो ये भी गोया कि, और ये सारे कलिमात इस सूरत में आपको मिल जाएंगे, माशाअल्लाह इंशाअल्लाह, और इससे पहले हम अल्हम्दुलिल्लाह से शुरू कर चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजा, वला तक़ूलन्न लिशैइन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका ग़दन इल्ला इंशाअल्लाह, वस्कुर रब्बका इज़ा नसीत, और अपने रब को याद कर लिया कीजिए जब आप भूल जाएँ, यानी ये कि अगर किसी वक्त भूल जाएँ तो फिर जब याद आ जाए वस्कुर रब्बा का तो फिर अल्लाह ताला की तरफ ध्यान लगाइए, वकुल असा यहदी रब्बी लअक़रबा मिन हाज़ा रशदा, और कहिए कि हो सकता है कि मेरा रब इस मामले में इससे बेहतर राह की तरफ मेरी रहनुमाई कर दे, यानी मैं ये क्यों कहूँ कि ये काम मैं करूँगा, हो सकता है अल्लाह ताला जो है इससे बेहतर कोई सूरत हाल पैदा कर दे। लिहाजा इस मामले के अंदर भी कोई ज़्यादा जाजिम हो जाना नहीं चाहिए, बल्कि मामलात को तफवीज़ुल अम्र इलल्लाह, सुपरदम बतो माया खेशरा तो दानी हिसाब कमो बेशरा, तो इस तरीके से इंसान जो है अल्लाह ताला के हवाले किए रखे। वलब सूफ़ी काफ़े उम सदासा मियतिन सनीना वसदादू तिसा, और वो रहे अपनी उस गार में 300 बरस और उसके ऊपर 9 साल। इसकी ताबीर क्या है, शमसी हिसाब से 300 बरस, और ये 300 बरस जो शमसी होते हैं सोलर कैलेंडर के, वो कमरी हिसाब से 309 बन जाते हैं। इस हवाले से ये दोनों आदत बिल्कुल सही है। कुलिल्लाहु आलम बिमा लबिसू, कहिए ये भी अल्लाह बेहतर जानता है कितने अरसे रहे, इसमें भी बहस में पड़ने की जरूरत नहीं। लहू गैबुस समावात वल अर्द, अल्लाह ताला
ही के इख्तियार में है और अल्लाह ही के इल्म में है, गैब कुल का कुल आसमान और ज़मीन का, अब सिर बेही वास में, क्या ही अजीब और अच्छा है वो देखने वाला और क्या ही अच्छा है वो सुनने वाला, उसकी समाअत उसकी बसारत का तुम क्या अंदाज़ा करोगे। मा लहुम मिन दूनिही मिन वलीय्यिन, उनका कोई साथी और पुष्टपना और मददगार और हिमायती नहीं है उसके सिवा, वला युशरिकु फी हुक्मिही अहदा, और वो अपने हुक्म और इख्तियार और अपनी हाकमियत के हक में किसी को शरीक करने को तैयार नहीं है। ये जो तौहीद हाकमियत, इसके बारे में नोट कर लीजिए, सूरह यूसुफ में हमने पढ़ा, इनल हुक्म इल्ला लिल्लाह, हमारा अल्लाह ताबुदु इल्ला या ज़ालिका दीनुल क़य्यिम, सूरह बनी इसराइल की आखिरी आयत में आया, वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क, बादशाहत में उसका कोई शरीक नहीं। यहां फरमाया वला युशरिकु फी हुक्म ही अहदा, वो अपने हुक्म और हाकमियत के इख्तियार में किसी को शरीक करने के लिए तैयार नहीं। वतलु मा उहिया इलैका मिन किताबि रब्बिक, और ऐ नबी तिलावत कीजिए जो आपकी तरफ वही की गई है आपके रब की किताब में से। यानी ये जो सख्त हालात हैं जिनसे आप गुजर रहे हैं, दबाव है आप पर बहुत शदीद, इसमें आपके लिए सहारा क्या है? वमा सब्रु का इल्ला बिल्लाह, और अल्लाह के साथ अपना कल्बी ताल्लुक और जहनी रिश्ता कायम करने के लिए सबसे मौसर जरिया क्या है? कुरान मजीद की तिलावत। वतलु मा उहिया इलैका मिन किताबि रब्बिक, जो भी आपकी तरफ वही किया गया है आपके रब की किताब में से उसकी तिलावत करते रहा कीजिए। ला मुबद्दिल लिकलिमातिही, उसकी बातों को बदलने वाला कोई नहीं है। वलन तजिद मिन दूनिही मुल्तहदा, और उसके सिवा आपको कहीं कोई पनाह नहीं मिलेगी। पनाह देने वाला भी वही है, कोई और पनाह नहीं दे सकेगा। सख्ती कितनी भी है झेलिए, बर्दाश्त कीजिए, उस सख्ती को आसान बना सकते हैं अल्लाह की किताब की तिलावत करिए और करके सुनाते रहिए अपने साथियों को भी। इसी से तुम्हारे ऊपर ये सख्तियाँ जो हैं हल्की हो जाएंगी, इन भारी चीज़ों को बर्दाश्त करना आसान हो जाएगा। लेकिन जान लीजिए पनाह मिलेगी तो अल्लाह के दामन में। लन तजिदा मिन दूनिही मुल्तहदा, वस्बिर नफ्सका मअ अल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वलअशी, और अपने आप को रोके रखिए और सब्र कीजिए उन लोगों के साथ जो अपने रब को पुकारते हैं सुबह शाम। ये अगरचे गुरबा में से हैं, ये बिलाल हैं, ये अब्दुल्ला इब्न उम्मे मक्तूम हैं, ये नाबीना हैं, ये अबू फकी हैं, ये ग़ुलाम हैं, ये अम्मार हैं, और ये इसी तरीके से खब्बाब हैं, लोहार हैं। ये लोग जो हैं आप इनको, इनकी इस रिफाकत को गनीमत समझिए। वस्बिर नफ्सका मअ अल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलग़दाति वलअशी युरीदूना वजहहु, वो अल्लाह की रजा के तालिब हैं, तलबगार हैं, अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं। वला तअद्दु ऐनाका अन्हुम, और देखिए आपकी निगाहें उनसे हटकर उधर ना जाएं जिनके पास दौलत है। अनहुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, कहीं आपकी निगाह उधर ना जाए जहां ज़ेबाइश है, आराइश है, दुनिया की चमक दमक है, दौलत है। आप वलीद बिन मुगीरा की तरफ तो मुतवज्जे हो और अब्दुल्ला इब्ने उम्मे मक्तूम की जानिब ना हो, माज़ल्ला ऐसा ना कीजिए। ये बिल्कुल वही बात है जो हम सूरह हिज्र में भी पढ़ चुके हैं। वला तमुद्दन्ना ऐनैका इला मा मत्ताना बिही अज़्वाजन मिन्हुम ज़हरतल हयातिद दुनिया, ये जो भी हमने इनको दे रखा है दुनिया का साजो सामान चमक दमक, इसकी तरफ आपकी निगाहें ना उठें। वला तअद्दु ऐनाका अन्हुम, आपकी निगाहें इनसे हटकर, इन्हें नज़रअंदाज करके उन लोगों की तरफ न मुतवज्जे हो जाएं। तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया, तो क्या आप भी दुनिया की, के लोगों को ये गुमान होने लगे, शक हो जाए कि आपकी निगाह में भी दुनिया की जीनत का जो है बहुत उसकी अहमियत है। वला तुतअ मन अग़फ़लना क़ल्बहु अन ज़िक्रिना, और मत बात मानिए उसकी जिसके दिल को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है। वत्तबा हवा हो, और जो अपनी ख्वाहिश नफ्स की पैरवी कर रहा है। वकान अम्रुहु फुरुता, और उसका काम जो है वो एतदाल से बहुत इधर उधर हो गया है। وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا أَحَاطَ بِهِمْ سُرَادِقُهَا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ। اور پڑھا کرو اس میں سے کہ جو وحی کیا گیا ہے آپ کی جانب آپ کے رب کی کتاب میں سے، اس کی باتوں کا بدلنے والا کوئی نہیں، اور نہیں پاؤ گے تم اپنے لیے اس کے سوا کوئی اور جائے پناہ۔ थामे रखो, रोके रखो अपने आप को उन लोगों के साथ जो पुकारते हैं अपने रब को सुबह शाम और चाहते हैं उसकी रज़ा, तालिब हैं उसके रूए अनवर के, और ना दौड़ें आपकी निगाहें उनसे हटकर आप के दुनिया को ये महसूस हो, ये मुगालता हो कि तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया। ये ज़रा मुश्किल मुकाम है कुरान मजीद का, कि बज़ाहिर तो अल्फाज ये हैं कि आपकी निगाहें दुनिया की ज़ेबाइश और आराइश की तलाश में
इन फुकरा और गुरबा से हटकर उमरा की तरफ न उठे। लेकिन जाहिर बात है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये शान नहीं थी, लिहाजा इसमें जो बात समझ में आती है वो ये है कि ऐसा न हो कि आपके इल्तिफात की वजह से दुनिया ये महसूस करे कि इनकी निगाह में भी वक़्त और अहमियत जो है वो दुनियावी माल और दौलत और असबाब की है। किसी दाई हक़ के लिए ये मामला बहुत ही नाजुक होता है कि एक तरफ जो हालात वाक़ियात हैं उसके एतबार से, जो हकाइक हैं उसके एतबार से, माशरे के जो ऊँचे तबकात होते हैं, जो वहाँ सरदारी या किसी और तरह के सरबराही के मनसब पर फाइज हों या उनके पास फरावानी हो दौलत की, अब जाहिर बात है कि उनका एक असर और रसूख होता है माशरे में। उनमें से कोई एक शख्स ईमान ले आए तो वो बहुत से लोगों के बराबर हो जाएगा, जैसे हज़रत उमर रज़ी अल्लाह और हज़रत और अबू जहल को हुजूर ने दोनों को पेश किया अल्लाह के सामने कि अल्लाह इनमें से एक को ज़रूर मेरी झोली में डाल दे। जाहिर बात है कि उससे इस्लाम को तक़वियत हासिल होगी, और उससे यह है कि जिन मुसलमानों पर का काफ़िया तंग हुआ हुआ है, जिनको सताया जा रहा है, अगर कोई बड़ा आदमी ईमान ले आएगा तो उनको भी सहारा मिलेगा, जैसे कि हज़रत उमर और हज़रत हमज़ा के ईमान लाने के बाद जो गुरबा थे, फ़करा थे और जो ग़ुलाम थे उन्हें सताया जा रहा था, उन्हें कुछ रिलीफ मिला है। इस हवाले से एक तरफ तो इसकी ज़रूरत होती है कि उनकी तरफ तवज्जो की जाए, इल्तिफात रखा जाए, ताकि अगर वो ईमान ले आए तो उससे ईमान को भी तक़वियत हो, इस्लाम को तक़वियत हो, मुसलमानों को भी फ़ायदा पहुँचे। दूसरी तरफ ये अंदेशा होता है कि गुरबा का दिल ना दुखे। तीसरी तरफ ये कि लोग ये ना समझें कि ये भी ज़्यादा जो है मुदारात करते हैं और ज़्यादा इल्तिफात करते हैं उमरा की तरफ, अहम लोगों की तरफ, गोया कि इनकी निगाहों में भी दुनिया की इन्हीं चीज़ों की वक़्त है, इन्हीं चीज़ों की अहमियत है। तो ये तीन तरफ के चीज़ समझिए कि ये चक्की दो पार्टों वाली नहीं, तीन पार्टों वाली है, कि जिसमें कोई दाई जो होता है वो इस मखबसे में आ जाता है कि एक तरफ तकाजा ये है खुद तहरीक का, दावत का, उस जद्दोजहद का, उसके तकाजे ये हैं कि उनकी तरफ इल्तिफात हो, उनकी तरफ तवज्जो की जाए ताकि उनमें से कुछ लोग ईमान ले आए तो काम में सहूलत हासिल हो, मदद हासिल हो। लेकिन दूसरी तरफ ये मनफी दो असरात भी मौजूद हैं। तो इसके माबेन जो है हुक्म दिया जा रहा है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि बहरहाल आप ये एहतियात कीजिए कि ये तासुर ना उभरने पाए कि मोहम्मद के नज़दीक भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम असल अहमियत जो है वो दौलतमंद लोगों की है। वला तुतिमन अगफल्ला कल्बहु अन ज़िक्रिना, और मत कहना मानिए उन लोगों का, ये जैसा कि मैंने बारह अर्ज किया है कि दबाव पड़ रहा था सरदारान कुरैश की तरफ से कि कुछ हमारी बात मान लीजिए, कुछ हम आपकी मान लेंगे। तो यहाँ गोया कि उसमें फिर मुतनब्बे किया जा रहा है कि जिन लोगों को दिलों को हमने अपनी याद से गाफिल कर दिया है, महरूम कर दिया है, आप उनकी बातें सुने भी मत, उनकी तरफ ध्यान भी मत दीजिए। वला तुतिमन अगफल्ला कल्बहु अन ज़िक्रिना व तबा हवा व कान अमरुहु फुरता व कुलिल हक्कु मिन रब्बिकुम। ये जो मज़मून अभी हमने दोबारा पढ़ा है इसको आप देखेंगे कि ये 21वें पारे की आगाज़ में फिर दोबारा आएगा कि जब भी शदीद कशाकश का दौर आया है तो उसमें यही हिदायत अल्लाह ताला की तरफ से आई हैं हुजूर को और हुजूर की वसातत से तमाम अहले ईमान को कि कुरान मजीद के साथ तमस्सुक जो है और मजबूत करो, कुरान मजीद के साथ अपने ताल्लुक को और गहरा करो और उसको पढ़ना और उसका जो है उसको उसके साथ जो है अपने औकात का बसर करना इसमें और इजाफा करो, इसी से तुम इन शदाइद और मसाइब का मुकाबला कर सकोगे। वकुलिल हक़ मिन रब्बिकुम, और कह दीजिए ये हक है मेरे रब की तरफ, तुम्हारे रब की तरफ से जो मैं पेश कर रहा हूँ। फमन शाह फलयूमिन वमन शाह फलयकफुर, तो अब जो चाहे ईमान लाए जो चाहे कुफ्र करे। ये बिल्कुल वही बात है जो सूरह दहर में कही गई है कि इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, हमने पूरा इख्तियार दे दिया, इन्ना हदैना हुस्सबील इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, ये इख्तियार हमने इंसान को दिया है, चाहे शुक्रगुजार बंदा बने चाहे कुफरान नेमत के रविश इख्तियार करे। तो यहाँ अंदाज ये है कि आप इन कुफार से कह दें कि मैं दावत पेश कर रहा हूँ, अब तुम्हें ईमान लाना है लाओ, कुफर करना है कुफर करो, लेकिन बैन बैन की कोई बात नहीं हो सकती, कोई गिव एंड टेक, कोई जो है कंप्रोमाइज ये मुमकिन नहीं है। कुलिल हक़ मिन रब्बिकुम, टेक इट और लीव इट, ये हक है तुम्हारे रब की तरफ से, चाहे इसे छोड़ दो तो पूरे को छोड़ना होगा, कबूल करना है तो पूरे को करना होगा। फमन शाह फलयूमिन वमन शाह फलयकफुर, आतदना लिज़ालिमीन नारा, हमने ज़ालिमों के लिए काफिरों के लिए मुशरिकों के लिए आग तैयार कर रखी है, अहाता बिहिम सुरादिकुहा, उसकी कनातें इनका अहाता कर लेंगी, वो कनातों की शक्ल में आग होगी, इनको घेरे में ले लेंगी। वहीं यस्तगीसु, और अगर वो प्यास से जहाँ बलब होकर पानी मांगेंगे, युगासु बिमाइन कल मोहल्ले यशविल वजूह,
तो उन्हें ऐसा पानी दिया जाएगा पीने के लिए कि जैसे भूल, ये जो मोहल के तर्जुमे कई किए गए हैं, खोलते तेल की तलछट, लावा, पिघला हुआ तांबा और पीप वगैरह, मान सदीद इनमें, और वो इतना गर्म होगा यशविल वजूह कि उनके चेहरों को भून देगा। बेशक शराब बहुत ही बुरी शय होगी पीने की, वसात मुर्तफका, और ये इनके लिए इनकी आरामगाह जो बनेगी जहन्नम, बहुत ही बुरी आरामगाह होगी। इसके बरक्स वही साइमल्टेनियस कंट्रास्ट का उसलूब, इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करें, इन्ना ला नुज़ीउ अजर मन अहसन अमला, हमारा ये उसूल नहीं है कि जो लोग अच्छे अमल करें उनके अजर को हम ज़ाय कर दें, उनका अजर भरपूर उन्हें मिलेगा। उलाएक लहुम जन्नात अदन तजरी मिन तहतिहिम अल-अनहार, ये वो लोग हैं कि जिनके लिए हैं वो रहने वाले बागात, रेजिडेंशियल गार्डन्स, जिनके दामन में नदियाँ बहती होंगी। युहल्लौन फीहा मिन असाविर मिन ज़हबिन, उन्हें पहनाए जाएंगे वहाँ कंगन सोने के, वयलबसून सियाबन खुद्र मिन सुंदुसिन, और उनको वो पहनेंगे वहाँ पर कपड़े सब्ज रंग के, बारीक रेशम के और गाढ़े रेशम के, यानी ऊपर का लिबास जो होगा वो बारीक रेशम का होगा और जो नीचे का लिबास होगा वो गाढ़े रेशम का होगा। मुत्तकीन फीहा अलल अराइक, और वो वहाँ पर तकिया लगाए हुए, टेक लगाए हुए बैठे होंगे तख्तों के ऊपर। नेमत सवाब, क्या ही अच्छा बदला होगा। वह हसनत मुर्तफका, और क्या ही खूब उनके लिए आरामगाह होगी। पांचवें रुकू में एक मुकालमा आ रहा दो अशखास का। एक शख्स वो है कि जिसको अल्लाह ने दुनियावी नेमतें जो भी उस दौर की थी भरपूर दी हैं, मादी वसाइल भरपूर दे रखे हैं, और वो इस कदर उसका मामला ठीक चल रहा है कि होते होते उसकी निगाह अब अल्लाह की तरफ से हटकर उन मादी असबाब वसाइल ही पर जम गई है, उसका तवक्कुल और एतमाद उसी पर कायम हो गया है। एक दूसरा शख्स है, दुनियावी एतबार से मुरफ़ाउल हाल नहीं है, उसके पास दौलत नहीं है, दुनियावी चीज़ें नहीं हैं, लेकिन वो अल्लाह ताला की मार्फत उसे हासिल है। वो इस दौलतमंद आदमी को कोई नसीहत करता है कि तुम अल्लाह को भूल गए हो, तुम्हें चाहिए कि हम तमाम चीज़ों के ऊपर जो भी अल्लाह ने तुम्हें दी है उसका शुक्र अदा करो, उसका हक अदा करो। लेकिन उसने अपने घमंड में आकर उसे बहुत तल्ख जवाब दिया कि मेरे पास ये सब कुछ है तो गोया कि मैं अल्लाह ताला का लाडला हूँ, चहीता हूँ, तुम जूतियाँ पटखार रहे हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, तुम्हारी हैसियत ही नहीं है कि मुझे तुम वास भी कहो। लेकिन ये कि उस पर फिर जो उनके दरमियान मामला हुआ तो उन्होंने कहा उस शख्स ने कि हो सकता है कि अल्लाह ताला तुम्हारे इस सारे दौलत को और मालो असबाब को ज़ाय कर दे। लेकिन यह कि उसने कहा कैसे हो सकता है, मैंने सारा बंदोबस्त ठीक ठीक किया हुआ है। बहरहाल नतीजा ये निकला कि अल्लाह ताला ने उसकी उस पूरी दौलत को एक तरीके से ज़ाय कर दिया, और फिर वो अपने हथेलियाँ बलता रह गया, कफे अफसोस बलता रह गया, और उसने कहा हाय काश कि मैंने अपने रब के साथ शिर्क ना किया होता। हालांकि इस पूरे रुकू में कहीं किसी देवी का, देवता का, किसी और आलेहा का कहीं जिक्र नहीं है। तो इस रुकू में समझने की बात यह है कि एक शिर्क है मादा परस्ती का शिर्क, मादी असबाब वसाइल पर इतना तकिया हो जाए, इतना तवक्कुल हो जाए, इतना एतमाद हो जाए कि फिर अल्लाह ताला को इंसान भूल जाए, मुसब्बिबुल असबाब पर से निगाह हट जाए और वो समझे कि सारा एतमाद और तवक्कुल मेरा इन मादी असबाब वसाइल पर है। तो यहाँ गोया कि उसने उन मादी वसाइल और असबाब ही को अपना माबूद बना लिया है। तो ये शिर्क है जो इस दौर का सबसे बड़ा शिर्क है। इस दौर में बुत परस्ती का शिर्क बहुत कम रह गया है। अब सितारा परस्ती का शिर्क कहाँ रह गया है? कौन लोग हैं जो सितारों को पूछते हैं? अब तो इंसान समझता है सितारों तक तो हम पहुँच ही जाएंगे, हमारा इल्म तो पहुँच ही चुका है, चांद तक हम उतर आए हैं, अब चांद को कौन पूजेगा? ये जो अब सारी जो है अब जो पूजा पाठ हो रही है वो तो मादा परस्ती की है, वो दौलत की है, वो दर हकीकत या वो नजरियाती तौर पर वतन परस्ती है, उसका एक शिर्क है। तो ये इस दौर के शिर्क को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये रुकू इस एतबार से कि इसमें किसी देवी देवता का जिक्र नहीं है, तो शिर्क कौन सा किया उसने? वो शिर्क यही है कि उसने दुनियावी मालो असबाब और मादी असबाब और ज़राए के ऊपर अपने सारे तवक्कुल को जो है उसके साथ मुंसलिक कर दिया, यही गोया कि उसको माबूद बना लेना है। वदरिब लहुम मसलन रजुलैन, इनके लिए बयान कीजिए दो अशखास की मिसाल। जालना ले आहद हमा जन्नतैन मिन अनाबिन, उनमें से एक को हमने दिए थे दो बाग अंगूरों के। वहफफना हुआ बिनखलिन, और उन दोनों को घेरे में लिया हुआ था खजूरों के दरख्तों ने। अब देखिए कि अंगूरों की बेलें हैं और चूंकि इधर उधर से हवा तेज ना आए तो खजूरों के झुंड जो हैं वो चारों तरफ लगे हुए हैं ताकि उनके माबैन जो खजूर जो उसकी अंगूरों की बेलें हैं वो बड़ी महफूज हैं। वह जालना बैना हुमा ज़रा, उनके दरमियान खेती भी थी, यानी यह कि अनाज का सामान भी है और अंगूरों की बेलें भी हैं और यह कि खजूरों के दरख्त भी हैं।
किल्तल जन्नतैन आतत उकुलहा, और वो दोनों बागात अपना फल देते थे, वलम तस्लिम मिन्हु शया, साल ब साल फल आ रहा है, साल हर साल हो गए, हर साल फल आ रहा है, उसमें कोई कमी नहीं करते थे। जब ये चीज़ चलती रहती है तो आदमी का खुद ब खुद एक तवक्कुल जो है वो उस चीज़ के साथ वाबस्ता हो जाता है, वो भूल जाता है कि इसकी अल्लाह ताला के फजल करम से है या अल्लाह के इज़्ज़त से है, बल्कि यह कि वो उन्हीं चीज़ों को समझ बैठता है कि दाइम है और कायम है। वफ़ज्जरना खिलालहुमा नहरा, और हमने उनके माबैन एक नहर भी निकाल दी थी, आबपाशी का भी पूरा निज़ाम मौजूद है। वकाना लहू समर, और उसके मेवे भी थे, यानी यह भी था कि बाग जो है फला हुआ है, इस वक्त अंगूर भी हैं और खजूर भी जो है, दरख्त जो है लदे हुए हैं। और एक इसका मफहूम यह भी है मेरे नज़दीक जो दादा राजे है कि उसको औलाद भी अल्लाह ने खूब दी थी, जैसे दरख्तों पर फल लगता है तो इंसान के लिए उसकी औलाद जो है उसके फल की हैसियत रखती है, तो गोया कि उसको औलाद भी मिली थी। फ़काल अल साहिब ही वह हुआ युहाविरहू, तो कहा उसके उसने अपने साथी से, उनसे वो गुफ्तगू कर रहे थे आपस में, गुफ्तगू कर रहा, अना अक्सर मिन कमालम वाज़ व नफरा, मैं तुमसे कहीं बढ़कर हूँ माल में और नफरी में। अब ये नफरी के हवाले से मैंने काना लहू समर, उसके बेटे भी थे औलाद भी थी, तो उसके हवाले से वो नफरी की बात भी कर रहा, मेरे बाजू भी बहुत हैं। वह दखल जन्नत हुआ, और वो दाखिल हुआ अपने बाग में, वह हुआ ज़ालिमुन लिनफ्सिही, और वो अपने जान पर जुल्म कर रहा था, यानी इसी गुमराही के अंदर मुब्तला था। काला माज़ुन अन तबीदहा दही अबादा, उन्होंने कहा मैं नहीं समझता कि ये बाग भी कभी उजड़ सकता है, क्या मुझे धमका रहे हो कि अल्लाह ताला जो है कहीं तुम मेरी ये दौलत सलब न कर ले। देखो मैंने खजूरें किस हिसाब से यहाँ पर लगाई हैं कि कोई अगर आए भी, कोई बाद सरसर आए या कोई और भी हवा का तेज लू के झोंके आए, तो वो मेरी अंगूरों के बेलों तक ना पहुँचे। ये गोया के सेंटिनल्स खड़े हुए हैं, खजूर के दरख्त जो हैं वो रोक रहे हैं। फिर मैंने यहाँ पे आप पाशी का निज़ाम है, मेरे नहर चली हुई है, माज़ुन अन तबीद हाज़िही अबदा, मैं नहीं समझता कि मेरा ये बाग जो है कभी ये के बर्बाद भी हो सकता है। व माज़ुन साता क़ायमतन, और ये जो तुम क़यामत वगैरह की बात कर रहे हो, अव्वल तो मेरा गुमान नहीं है कि कोई क़यामत खड़ी होने वाली है। वह माज़ुन साता क़ायमतन, मैं नहीं समझता कि ये क़यामत होने वाली, हाँ डकोसले से हैं, कुछ बड़ों से सुना तो है। और ये कि वला रुदित तो इला रब्बी, अगर मुझे लौटा ही दिया गया अपने रब के पास, लाजिदन खैरम मिनहा मुनकलबा, तो मुझे वहाँ लाजिमन मिलेगा बहुत बेहतर लौट कर। अब इसके अंदर एक फ़लसफ़ा है इनका कि जब अल्लाह ने मुझे यहाँ दिया, अल्लाह के वो मुनकर नहीं थे, अल्लाह ने मुझे यहाँ दिया है तो इसका मतलब ये कि मैं चहीता हूँ, लाडला हूँ, या अल्लाह ने मुझे कुछ सलाहियतें दी हैं, मैंने बड़ी उम्दा प्लानिंग करके बाग बनाए हैं, सारा उसका बंदोबस्त किया है, तो ये मेरी जो सलाहियत है या अल्लाह की दी हुई जो मेरे अंदर है, ये जो खैर है, ये कहाँ चला जाएगा? आखिरत में भी मुझे फिर मिलेगा और इससे बेहतर मिलेगा, और तुम जैसे यहाँ जूतियाँ पटखार रहे हो ऐसे वहाँ पटखारोगे। वला इर्दित तो इला रब्बी, अगर बिलफर्ज हो ही गया, ऐसा लौटा ही दिया गया मैं अपने रब की तरफ, लाजिदन खैरम मिन्हा मुनकलबा, तो इससे भी बेहतर मुझे वहाँ पर मिलेगा। काल लहू साहिबहू, अब उस अल्लाह के बंदे ने जो नेक बंदा था कहा उससे, उसके साथी ने, वह हुआ युहाविरहू, और उनसे गुफ्तगू कर रहा था, अकफरता बिल्लज़ी खलक़क मिन तुराब, क्या तूने कुफ्र किया उस हस्ती का जिसने तुझे मिट्टी से बनाया, सुम्मा मिन नुतफा, फिर पानी की गंदे पानी की बूंद से बनाया, सुम्मा सवाकर रजुला, फिर तुझे एक पूरा इंसान बनाकर खड़ा कर दिया। अब यानी तुझे कुफ्र कौन सा किया, यानी यह कि वो रब मान रहा है अल्लाह को और रब के साथ उसने किसी और का जिक्र नहीं किया है, मतलब यह कि आखिरत का इनकार दर हकीकत अल्लाह का इनकार है। अगर तुम आखिरत के बारे में जो कह रहे हो कि नहीं मैं नहीं समझता कि ये कोई होने वाली बात है, तो चाहे तुम अल्लाह को अब इकरार कर रहे हो लेकिन हकीकत में अगर आखिरत को नहीं मानते तो गोया कि अल्लाह का इनकार है। लाकिन न हो अल्लाह रब्बी, लेकिन जहाँ तक मेरा मामला है, मैंने तो अल्लाह को अपना रब माना हुआ है, वही मेरा मालिक है, आका है, वला उशरिक बिरब्बी अहदा, और मैं अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराता। वलौला इस दखलता जन्नत का कुलता माशा अल्लाह, और क्यों ना ऐसा हुआ कि अल्लाह के बंदे जब तू अपने बाग में दाखिल हुआ, तूने बाग देखा, फला हुआ है, हरा भरा है, हर तरफ मंजर जो है बड़ा दिल खुशकुल मंजर है, तो तू कहता माशा अल्लाह, ये फिर वही मजलिसी कलमा आ गया जिसमें तौहीद कूट कूट कर भरी हुई है, माशा अल्लाह, ये जो अल्लाह ने चाहा, जो अल्लाह ने चाहा ये सब उसके फजल व करम से है। ला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, कोई ताकत नहीं है अल्लाह के सिवा, अगर अल्लाह की तरफ से ये बात ना होती तो मेरे अंदर कोई सलाहियत नहीं थी, अल्लाह ही की है दर हकीकत ये देन है, उसकी उसी की आता है। इन तरह ने अना अकल नमीन का मालम व वलदा, अगर तुम देख रहे हो कि मैं तुमसे कम हूँ माल में भी और औलाद में भी, फ़ासार अब यूत यानी खैरम इन जन्नत,
तो मुझे तो मैं अपने रब के बारे में ये यकीन है कि वो जब चाहे मुझे तेरे बाग से बेहतर बाग दे सकता है। वह युरसिला अलैहा हुस्बाना, और तेरे बाग के ऊपर वो कोई ऊपर से कोई लू का झोंका ऐसा भेज सकता है, मिन समाए आसमान से, फतुस बिहा सईदन ज़लक़ा, कि ये पूरा बाग जो है ये जो एक ऐसा है चटियल मैदान होकर रह जाए कि यहाँ कोई दरख्त रहे ना बेले रहे। मालूम हुआ कि हर चीज़ जब आँख खुली गुल की तो मौसम था खजा का, ये हो सकता है, ऐन मुमकिन है। और युसबिहा माहा गौरन, या अल्लाह आसमान से कोई ऐसी ना भी भेजे कोई चीज बला, तो इसका पानी ही जो तुम्हारा ये जो चश्मा चल रहा है वो पानी ही अगर ज़मीन के अंदर गहरा उतर जाए, ये चश्मा खुश्क हो जाए, फलन तस्तकी लहू तलब आओ, फिर तू पानी कहीं से ला ना सके तो ये बाग खुद ब खुद उचड़ जाएगा। ये सारे इम्कान हैं, मुसब्बिबुल असबाब ने तुम्हारे लिए इस वक्त सारे असबाब जमा कर रखे हैं, जब चाहेगा उनमें से किसी एक सबब की भी अगर तनाव खींच ले तो ये सारा मामला जो है ये तो शीश महल की तरह का है, एक ही जो पत्थर है वो इस सबको चकनाचूर कर देगा। वह वही तब समरे ही, मालूम होता जो बहुत ही कोई अल्लाह का पहुंचा हुआ शख्स था, जो अल्लाह का दोस्त था, और उसका दिल दुखाया इस शख्स ने जिसको ताना दिया उसे, आना खैर आना अक्सर मिल का मालम व वलदा, तो इस हवाले से उसका दिल दुखा है। और ये जान लीजिए कि किसी अल्लाह वाले का मन आदा ली वली फाजन तहूर हर्ब, तो एक हदीस कुदसी है, जो शख्स मेरे किसी वली के साथ दुश्मनी करे फिर मेरी तरफ से उसके खिलाफ ऐलान जंग है। तो उसने चूंकि ये दिल दुखाया है, और फारसी का एक शेर भी बड़ा मजेदार है कि हीच कौम रा खुदा रुसवा न करद, ता दिले साहिब दिले नामद में दर्द, किसे साहिब दिल के दिल को ठेस लगती है, दर्द उसके अंदर पैदा हो जाता है, साहिब दिल हो अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में हो और उसे ठेस पहुँचे, तो ता दिले साहिब दिले नामद में दर्द, हीच कौम रा खुदा रुसवा न करद, कौमें बड़ी रुसवा हो जाती हैं किसी एक अल्लाह वाले की कि दिल जो है उसकी दिल को अगर तकलीफ पहुँचे। तो वही तब इस हमारे ही उसका सारा समर समेट लिया गया, अल्लाह ताला ने जो कुछ उसको दिया था वो सल्ब कर लिया, बाग भी ख़त्म हुआ, औलाद भी ख़त्म हुई। युवा युकल व कफ़े अलामान फ़ीहा, तो वो रह गया अपने हाथों को मलता हुआ, अपनी हथेलियों को मलता हुआ, जिसे हम कहते हैं कफ़े अफसोस मलना। युकल व कफ़े अलामान फ़ीहा, जो कुछ उसने खर्च किया था, इन्वेस्ट किया था, मेहनत की थी, कितना अरसा लगा था इस बाग के प्लानिंग में, बाग को उसने लगाया था, कहाँ कहाँ से पौधे लाया होगा, मा अनफ़ीहा वही अखावियतुन अला उरूशिहा, और वो बाग जो है गिरा पड़ा हुआ था अपनी छतरियों के ऊपर, क्योंकि जो जो अंगूर की बेलें होती हैं वो टट्टियाँ होती हैं, छतरियाँ होती हैं, वो सब औंधी पड़ी हैं। वह यकूल या लैतनी लम उशरिक बि रब्बी अहदा, और उस वक्त वो कह रहा था हाय मेरी शामत, क्या काश के मैंने अपने रब के साथ शिर्क न किया होता। अब ये कौन सा शिर्क है? इस पूरी इस गुफ्तगू के अंदर कहीं किसी देवी का, देवता का, किसी और किसी का जिक्र नहीं है, किसी की शफात का जिक्र नहीं है। ये है हमारा आज का नक्शा मादा परस्ती का, आज की हमारी जहनीत जो है पूरी की पूरी इस रुकू के अंदर मौजूद है। वलम तकुल लहू फ़ैतुसरू, और न हुई फिर उसकी कोई जमात, कोई उसकी फ़ौज होती जो उसकी मदद करती मिंदोनिल्लाह अल्लाह के मुकाबले में, वमा काना मुंतसरा, और ना ही वो इस काबिल था कि किसी से इंतकाम ले, किस से इंतकाम ले, सारा फ़ैसला तो अल्लाह की तरफ से हुआ है। हुनालिकल वलायतु लिल्लाहिल हक़, यहाँ तो हुकूमत और इख्तियार कुल का कुल अल्लाह ही के लिए है, सच्चे अल्लाह के लिए जो अलहक है। ये वलाया है वाओ के ज़बर के साथ, वाली कहते हैं हाकिम को, मालिक को, वाली वाली से वलाया बनता है, वली कहते हैं दोस्त पुष्ट पनाह, और उससे विलाया बनता है, विलायत बाहमी, अल्लाह वलीयुल्लज़ीना आमनू युख़रिजुहुम मिनज़ुलुमाति इलन्नूर, और अला अल्ला औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वलाहुम याहज़नून, ये विलायत है वाव के ज़ेर के साथ। और वाली होना किसी का, फ़लाँ मुल्क का वाली फ़लाँ था, यानी वहाँ का हुक्मरान था, बादशाह था, तो यहाँ की बादशाही, यहाँ का इख्तियार, हुनालिकल वलायत लिल्लाहिल हक़, कुल वलायत अल्लाह ही के हाथ में है। हुआ खैरुन सवाबम व खैरुन उकबा, यकीनन वही बेहतर है इनाम देने वाला, और वही बेहतर है नतीजे के एतबार से, आकिबत के एतबार से। वद्रिब लहु मसलल हयातिद दुनिया, और इनके लिए जरा बयान कीजिए एक मिसाल दुनिया की जिंदगी के लिए। कमाइन अंजलनाहु मिनस समा, जैसे पानी के हमने उतारा आसमान से, फख्तलत बिही नबातुल अर्ज, उसके साथ रल मिलकर जमीन का जो जो सब्जा है वो निकल आया। फअसबह हशीमन तज़रूहु रियाह, अब ये एक लंबी बात है जिसे मुख्तसर किया गया कि फिर कुछ अरसे के बाद वो सब्जा जो है वो जर्द पड़ जाता है, फिर धूप के अंदर सूख कर पीला हो गया,
फिर चूरा चूरा हो गया, फिर वो चटियल जमीन की जमीन रह गई। तो जिंदगी का यूं समझिए कि जैसे फसल ले लीजिए, खेत के अंदर आपने बीज डाले हैं, हल चलाया है, पानी दिया है, अब फसल है, लहरा रही है, हरियावल है, बड़ा दिल खुशगुन मंजर है। कुछ दिनों के बाद उसी फसल के ऊपर जो सर्दी आ जाती है, फिर वो पक गई है, उसके बाद वो कट जाती है, कटने के बाद फिर वही मंजर वही है, वही वीरान मंजर है, और कहीं कहीं जो है वो जो भी तूड़ी के तिनके कुछ पड़े हुए हैं, अल्लाह ना खैर संदा। ये जो साइकिल है, ये प्लांट लाइफ की साइकिल है, 3 महीने की है, 4 की है, 6 की है, 7 की है, यही है ना। लेकिन यही साइकिल एक बड़े पैमाने पर इंसानी जिंदगी की है। एक बच्चा पैदा हुआ, उस वक्त जो है बड़ी खुशियां मनाई गई, फिर वो बड़ा जवान हुआ, कवि हुआ, ताकत वाला हुआ, फिर उसके ऊपर अधेड़ उभर आ गई, बाल में सफेदी आ गई, चेहरे पर जो है वो झुर्रियाँ पड़नी शुरू हुई, उसके बाद फिर उस पर मौत वारिद हुई, फिर उसे कब्र में उतार दिया गया, वो मिट्टी था और मिट्टी में जाकर मिल गया। एक ही स्पैन एक चल रहा है, साइकिल चल रहा है, ये इंसानी जिंदगी का साइकिल है, और ये जो नबाताती जिंदगी का साइकिल है, फर्क इसमें कुछ नहीं है। ऊपर से पानी आया और जमीन का सब्जा निकल आया, ऊपर से रूह आई है और हमारे ये अजसाद इस जमीन से निकले हुए हैं, इन दोनों ने मिलकर हमें इस हयात दुनियावी की एक शक्ल दे दी है। रूह ऊपर से आई है, जमीन शय नहीं है। बोले रूह में नमरे रब्बी, और यह कि जमीनी तौर पर जो भी कुछ है, जो निजाम है यहां का, उसमें यह हमारा जिस्म बनता है अपने माओ के पेटों में, और फिर ये रूह के साथ मिलकर इस दुनिया की जिंदगी के अंदर एक जो है एक वक्फा इम्तिहान जो है उसको बसर कर रहा है। वदरिब लहु मसलन हयात दुनिया, इनके लिए दुनिया की जिंदगी की मिसाल भी बयान कीजिए। कमाई नंजल्लाहु मिनस समा, जैसे कि पानी जो हमने उतारा आसमान से, फख्तलत बिही नबातुल अर्ज, तो फिर उसके साथ सब्जा जो है जमीन का रल मिलकर निकल आया, फासबा हशीमन, फिर वो हो गया चूरा चूरा, तजरूह रियाह के जिन्हें हवाएं लिए उड़ती हैं, उड़ती फिर रही हैं। वकान अल्लाह अला कुल्ली शयइन मुक्तदिरा, और ये अल्लाह ताला जो है हर शय पर कादिर है, उसके लिए जैसे ये साइकिल चल रहा है तुम्हारा नबाताती, ऐसे ही हैवानाती है, ऐसा ही तुम्हारा इंसानी जिंदगी का है। अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया, ये जीनत का लफ्ज़ तीसरी मरतबा सूरत में आया है, और ये इसका उमूद है, मैं बता चुका हूँ आपको। इन्ना जालना माल अल-अर्द ज़ीनतल्लाह लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला। फिर आया तुरीद ज़ीनत हयात दुनिया, है नबी देखिए कहीं लोगों को गुमान ना हो कि मोहम्मद भी दुनिया की जिंदगी की ज़ेबाइश और आराइश ही पर रिझे हुए हैं, माज़ल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब यहाँ फरमाया ये दुनिया की जिंदगी जो तुम्हारी है, इसमें औलाद और माल ये तुम्हारे लिए ज़ेबाइश है, आराइश है, लेकिन कितनी देर की, सिर्फ इस जिंदगी का मामला है, इसी के लिए ये साजो सामान है जो बरत लोगे, ये रिश्ते जो है ये भी यहाँ ही के लिए हैं, आखिर में तो जाहिर बात है कि फिर जो है तुम्हें अकेले जाकर पेश होना अल्लाह की अदालत में, ना कोई बाप तुम्हारा साथ देगा, ना कोई बीवी साथ देगी, ना कोई बेटा साथ देगा। कुल्लुहुम आती है यौमल क़यामत फ़र्दा, अगली सूरत जो है सूरह मरियम, उसके अंदर ये बात आ रही है, अकेले अकेले जो है फिर वो अपना पूरा मुहासबा जो है उसको फेस करना है। अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयात दुनिया, माल और बेटे ये दुनिया की जिंदगी की रौनक है। वल बाकियातुस सालिहात, बाकी रहने वाली तो नेकियां हैं, नेकी कोई कमाई है इस 30 साल में, 40 साल में, 50 साल में, तो उनके लिए बका है, माल के लिए कोई बका नहीं है। बाकियात सालिहात खैरुन इंदा रब्बिका सवाब, रब्बिका सवाब व खैरुन अमला, वो यकीनन बेहतर हैं तेरे रब के नज़दीक, सवाब के एतबार से, बदले के एतबार से भी, और तवक्को और उम्मीद के एतबार से। उम्मीद अगर कोई लगानी है तो ये माल असबाब से ना लगाओ, उम्मीद अगर लगानी है तो औलाद से ना लगाओ, उम्मीद लगानी है तो कोई नेकी अगर है और आखिरत में उसका अजर व सवाब की तवक्को है तो तुम्हारे लिए सहारा जो है असल बनना चाहिए वो। व यौम नुसय्यिरुल जिबाल, अब ये क़यामत का नक्शा खींचा जा रहा है, और जिस दिन के हम चलाएंगे पहाड़ों को, व तरल अर्द बारज़तन, और तुम देखोगे कि जमीन बिल्कुल नंगी हो गई है, कोई ऊंचाई नहीं रही, कोई नीचाई नहीं रही, कोई ऊंच नहीं, कोई टेढ़ नहीं, कुछ नहीं, सीधी चटियल। पहाड़ चल जाएंगे तो आई बात है कि ये ऊंचाइयां खत्म हो जाएंगी। वह हशर ना हूं, और हम इन सब को जमा करेंगे, फिर वलम नुगादिर मिनहुम अहदा, और उनमें से एक को नहीं छोड़ेंगे, कोई भी नस्ल इंसानी का जो हजरत आदम से लेकर और क़यामत के आखिरी साथ तक जो लोग भी पैदा होंगे सब के सब मौजूद होंगे। वह औरदू अला रब्बे का सफ़ार, वो पेश किए जाएंगे अपने रब के सामने सफ़े बांधे हुए। लकद जेतुमूना कमा खलकनाकुम अव्वला मर्रा, ये पहले भी मज़मून आ चुका है, आ गए होना हमारे पास जैसे कि हमने पैदा किया था पहली मरतबा। पहली मरतबा कब? आलम अरवाह में।
वो इकट्ठे थे सबके सब। बाद में जो दुनिया में पैदाइश हमारी हुई है ये तख्लीक है दूसरी मर्तबा, ये जमीनी तख्लीक के साथ रूह को जोड़कर जो है ये हमारा दर हकीकत ये तख्लीक सानी है। तख्लीक अव्वल जो है वो तो हमारी अरवाह की शक्ल में हुई, और वो इस शक्ल में थी कि आदम से लेकर अगर कुल दुनिया की जिंदगी 15,000 बरस हो फर्ज कीजिए आदम के बाद से लेकर क़यामत तक, तो 15,000 बरस तक जितने इंसान नस्ल आदम में पैदा हुए बैक वक्त वो मौजूद थे उस वक्त भी, और बैक वक्त मौजूद होंगे क़यामत के मैदान में भी। लकद ये तुमूना, आ गए हो हमारे पास, कमा खलकनाकुम अव्वला मर्रा, जैसे कि हमने पैदा किया था तुम्हें पहली बार। बलजाम तुम अल्लन नजअल लकुम मौईदा, उस वक्त हमने तुमसे एक कौलो करार लिया था अलस्तु बिरब्बिकुम कालू बला, लेकिन इस दुनिया की जिंदगी में तुम्हें यह गुमान हो गया था तुम्हारे लिए हम कोई वक्त वादे का वक्त मुकर्रर नहीं करेंगे, यानी मुलाकात नहीं होगी, तुम भूल गए थे इस मुलाकात को, जी चुरा रहे थे हमसे मिलने से। अल्लज़ीना ला यरजूना लिकाना, जो हमसे मुलाकात के उम्मीदवारी नहीं है, इस ख्याल ही को ज़हनों से दूर रखते थे कि कभी अल्लाह के हुजूर में हाजिरी है। वज़ अल किताब, और आमाल नामा लाकर लिख दिया जाएगा, रख दिया जाएगा वज़। अब वो आमाल नामा क्या होगा, कौन सा जॉइंट किस्म का कोई कंप्यूटर होगा, हर हर फर्द नौए बशर आदम की हर नस्ल का उसमें पूरा कारनामा जिंदगी महफूज होगा। आपको मालूम है जैसे कंप्यूटर के ऊपर एक बटन दबता है और वो सब आ गया, और एक बटन दबेगा उसका पूरा जो छप कर भी आ गया, एक एक फर्द की पूरी जिंदगी का रिकॉर्ड मौजूद है। जैसा कि मैंने कई बार अर्ज किया, इन चीजों का मानना अब जितना आसान हो गया है, आज से 100 बरस पहले मानना इतना आसान नहीं था। किस कदर गहरे ईमान बिल गैब की जरूरत थी, आज तो ये चीजें हमारे हिसाब किताब में आ रही हैं। छोटे छोटे से बटन की तरह का तो टेप रिकॉर्डर होता है कि आपसे मिलने के लिए कोई आया है आपको पता ही नहीं, और उसका जो बटन है जो कोर्ट का आप बटन समझ रहे हो वो टेप रिकॉर्डर है, वो आपके साथ जो गुफ्तगू हो रही रिकॉर्ड हो रही है आपको पता ही नहीं। जो सूरत हाल ये हो चुकी है, जरा लगाइए कहीं पर और आपको मालूम होगा कि आपकी सारी गुफ्तगू सुन लीजिए आप। तो ये सारी रिकॉर्डिंग के हर चीज महफूज हो रही है, आमाल नामे में हर शय मौजूद है। वह वज़ अल किताब, और वो लाकर आमाल नामा रख दिया जाएगा। कहीं से वो कंप्यूटर शायद किस जगह पर है और वहां से वो इंस्टॉल जो है वहां से लाकर मैदान हश्र में टिकाया जाएगा। वह वज़ अल किताब फतरल मुजरिमीना मुशफिकीना मिम्मा फी, तुम देखोगे अब मुजरिमों को डर रहे होंगे, कांप रहे होंगे कि इसमें क्या कुछ है। वह यकूलून, और वो कहते होंगे या वैलतना, हाय हमारी शामत, माल हादल किताब, ये कैसा अमाल नामा है, ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन, इसने तो किसी छोटी सी छोटी बात को नहीं छोड़ा ना किसी बड़ी बात को छोड़ा, इल्ला अहसाहा, मगर ये कि उसको महफूज रखा हुआ है, इसने तो माइन्यूटस डिटेल्स को भी ओमिट नहीं किया है, कैसा ही अमाल नामा। माल हादल किताब ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा वा वजदु मा अमिलू हादिरा मा अमिलू, और वो पाएंगे जो भी अमल उन्होंने किया होगा उसे मौजूद। वला यज़लमु रब्बुका अहदा, तेरा रब किसी पर जुल्म नहीं करेगा, ये तुम्हारे अपने अमाल हैं। अब देखिए यहां 6 रुकू खत्म हुए, 7वां रुकू शुरू हो रहा है, और 7वें रुकू की पहली आयत सूरह बनी इसराइल में भी यही थी, वइस कुलना लिल मलाइकति इस्जुदु लि आदम फसजदु इल्ला इब्लीस, बिल्कुल ठीक दरमियान में सूरह बनी इसराइल में भी 12 रुकू इसके हैं 12 रुकू इसके हैं। सूरह बनी इसराइल की 111 आयत है, सूरह कहफ की 110 आयत है, यानी यूं समझिए कि नहायत हसीन मुतवाजिन हर एतबार से बहुत ही खूबसूरत जोड़ा है। इसकी नस्बत ज़ौजियत जो है इस सूरह बनी इसराइल और सूरह कहफ की बहुत नुमाया है। मेरी एक किताब है वो उसमें आखिरी जो है इसी पर बहस है, कुरान हकीम की सूरतों का इजमाली तज्जिया, जिसमें कि इसकी नस्बत ज़ौजियत को मैंने बड़ी तफसील के साथ, अगरचे बड़ी इख्तिसार है लेकिन जामियत के साथ बयान कर दिया है। वाइस कुलना लिल मलाइकति इस्जुदु लि आदम फसजदु इल्ला इब्लीस, और जो याद करो जबकि हमने कहा था फरिश्तों से कि झुको आदम के सामने सजदा करो आदम को, तो उन सब ने सजदा किया लेकिन नहीं किया इब्लीस ने, काना मिनल जिन। अब यहां वो हकीकत खोल दी गई जो बकिया 6 जगहों पर नहीं है, वो जिन्नात में से था। फसक अन अम्र रब्बिही, फा यहां पर अब इल्लत को जाहिर कर रहा है, फरिश्ता कभी भी अल्लाह के हुक्म से सरताबी नहीं करता, फरिश्ता अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करता। यफ़अलून मा युमरून ला यासून अल्लाह मा अमरहुम, तो ये जो नाफरमानी इसने की है उसकी वजह यह है कि वो फरिश्तों में से नहीं था जिन्नात में से था। काना मिनल जिन्न फसक अन अम्र रब्बिही, तो उसने वो निगल भागा अपने रब के हुक्म से, यह नाफरमानी की अपने रब के फरमान की। अफतत्तखिज़ूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी, तो सोचो ए औलाद आदम
क्या तुम उसको अपना वली बनाते हो और उसकी नस्ल को, उसकी औलाद को, उसके चेलों चाटों को, उसके एजेंटों को, उनसे दोस्तियां गांठते हो मिन दूनी, मुझे छोड़कर। मैं तुम्हारा खैर खा, मैंने तुम्हारे सामने सारे फरिश्तों को झुकवा दिया, मैंने तुम्हें खिलाफत अर्जी अता फरमाई, तुम मेरा, मेरी क्रिएशन का मास्टरपीस, क्लाइमेक्स, और तुम बदबख्तों तुमने मुझे छोड़कर दोस्त बनाया उस शैतान लाइन को और उसके एजेंटों को और उसकी औलाद को, चाहे वो उसके एजेंट जो हैं वो उसके सुल्ब से हैं, उसके औलाद से हैं, और या ये कि इंसानों में से हैं। अफतत्तखिदूनहु व ज़ुर्रियतहु औलिया मिन दूनी, क्या तुम उसे और उसके औलिया और उसकी नस्ल के लोगों को, उसकी औलाद को वली बना रहे हो मुझे छोड़कर। वहुम लकुम अदू, जबकि फिल वाकई वो तुम्हारे दुश्मन हैं। बेसालिज़ालिमीन बदला, कितना बुरा बदल है कि जो इन ज़ालिमों ने अपने लिए इख्तियार किया है, अल्लाह को छोड़कर उनकी निफाकत, अल्लाह की दोस्ती छोड़कर इस शैतान लईन की दोस्ती। मा अशहदतुहुम खल्क समावाति वल अर्ध वला खल्क अनफुसहिम, मैंने तो इन जिन्नात को ना तो इन्हें शहीद बनाया था आसमान और ज़मीन की तख्लीक का और ना उनके अपनी तख्लीक का। वमा कुंतु मुत्तखिज़ल मुदिल्लीन अज़ूदा, और मैं ऐसे बहकाने वालों को अपना मददगार नहीं बनाया करता। ये जो तुमने इनको मेरे बराबर बना दिया, उसको मुझे छोड़कर उन्हें वली बना लिया, उनकी दोस्ती कर रहे हो, तो आसमान की और ज़मीन की तख्लीक में बल्कि खुद उनकी तख्लीक में वो कोई उसके शाहिद नहीं है। व यौम यकूल नादू शुरका लजीन अज़ाम तुम, और जिस दिन के अल्लाह कहेगा कि पुकारो ज़रा मेरे उन शुरका को जिनका तुम्हें ज़ोम हो गया था, तुम्हें गुमान था कि वो मेरे शरीक हैं। फदाओहुम, तो वो पुकारेंगे उनको। फलम यस्तजीबू लहुम, तो वो उन्हें कोई जवाब नहीं देंगे। व जालना बैनहुम मौबिका, और उनके दरमियान हम हलाकत वाली घाटी हाइल कर देंगे, खलीज हाइल कर देंगे, कि वो जो शुरका, चाहे वो चाहे औलिया अल्लाह ही हों और चाहे वो अम्बिया हों और चाहे फरिश्ते हों, लेकिन वो के खलीज हाइल होगी हलाकत की, वो उनकी मदद के लिए या उनकी बात सुनकर उनके उनके सिफारिश करने के लिए नहीं आ सकेंगे। वराल मुजरमून नारा, और मुजरमीन जो हैं जालिम गुनाहगार काफिर, वो देखेंगे आग को कि अब यह है जिसमें हमें झोंका जाना है। फ़न्नू अन्नहुम वाक़िऊहा, और उन्हें यकीन हो जाएगा कि अब वो उसमें डाल दिए जाएंगे। वलम यजदु अन्हा मसरफा मसरफा, वो नहीं पाएंगे उससे कहीं भी भागने की कोई जगह, उससे इन्हिराफ की कोई रास्ता। वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआन लिन्नास मिन कुल्ली मसल, ये आयत जूँ की तू सूरह बनी इसराइल में भी आयत नंबर 89 है, वहाँ यहाँ ये आयत 54 है, लेकिन फ़र्क क्या है, वहाँ है वलक़द सर्रफ़ना फ़ी हाज़ल क़ुरआन मिन कुल्ली मसल, वलक़द सर्रफ़ना फ़िल क़ुरआन, वहाँ अल्फाज़ का थोड़ा सा फ़र्क है। वकान अल इंसानु अक्सर शैइन जदला, हमने इस कुरान में कुल मसले, किल मिसालें पैदा कर जो बयान कर दी हैं लोगों की हिदायत के लिए, लेकिन ये कि वहाँ है फाबा अक्सर उन्नास से इल्ला कफूरा, लेकिन अक्सर लोग जो हैं वो कुफरान नेमत ही पर अड़े रहते हैं। यहाँ फरमाया वकान अल इंसान अक्सर शैइन जदला, लेकिन इंसान जो है तमाम मखलूक़ात से बढ़कर है झगड़ालू। वमा मना अन्नास अन यूमिनू, ये अल्फाज भी जूँ के तू सूरह बनी इसराइल में भी आए थे। वमा मना अन्नास अन यूमिनू, आयत नंबर 94 है ये वहाँ। वमा मना नासा यूमिनू इज़ाहुमुल हुदा व यस्तग़फिरू रब्बहुम, और नहीं रोका लोगों ने को ईमान लाने से जबकि उनके पास हिदायत आ गई कि वो इस्तग़फार करते अपने रब से। इल्ला अन तातीहुम सुन्नतुल अव्वलीन, वहाँ आया है इल्ला अन क़ालू अबअसल्लाहु बशरर रसूला, कि उनको ईमान से रोकने वाली उनकी ये उनका ये ख्याल था कि क्या अल्लाह ताला ने इंसान को रसूल बनाकर भेजा है। यहाँ फरमाया इल्ला अन तातीहुम सुन्नतुल अव्वलीन, इनको जो रोका गया है वमा मना नासा यूमिनू इज़ाहुमुल हुदा, ये जो रुक गए हैं जब हिदायत इनके पास आ गई कि ईमान नहीं ला रहे और इस्तग़फार नहीं कर रहे। इल्ला अंतातिहुम सुन्नतुल अव्वलीन, मगर ये कि इन पर आकर रहेगी अब वही जो पहलों का जो अंजाम हुआ था वही इनके ऊपर भी मुसल्लत होगा। औ यातियहुमुल अज़ाब क़ुबला, या ये कि अज़ाब इनके सामने आ जाएगा। वमान उर्सिलुल मुर्सलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन, यहाँ पे जमा के सीगे में आ रहा है, सूरह बनी इसराइल में वाहिद के सीगे में आया था आखिरी रुकू में। वमा अरसलना का इल्ला मुबश्शिरन व नज़ीरा, और हमने नहीं भेजा है मोहम्मद आपको मगर मुबश्शिर और नज़ीर बनाकर। यहाँ जमा के सीगे में वमा नुरसिलुल मुरसलीन इल्ला मुबश्शिरीन व मुनज़िरीन व युजादिलुल लज़ीन कफरू बिलबातिल, और ये काफिर जो हैं ये झगड़ते हैं कुफर बिलबातिल, झूठ के लिए, झूठ की तरफ से। लियुज़हिज़ू बिल हक़्क़ा, ताकि उसके ज़रिए से हक को बिचला दें, हक को टला दें, हक को शिकस्त दे दें। ये झगड़ रहे हैं, दलीलबाजी कर रहे हैं, मुनाजरे कर रहे हैं, हुज्जतें कट हुज्जतियाँ कर रहे हैं।
وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا, اور انہوں نے میری آیات کو اور جو انہیں انذار کیا گیا خبردار کیا گیا اس کو ہنسی مذاق اور ٹھٹھا بنا لیا ہے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ, اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے سے نصیحت کی جائے, یاد دہانی کرائی جائے. فَأَعْرَضَ عَنْهَا, پھر بھی وہ اعراض کرے ان آیات الہیہ سے. وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ, اور بھول جائے کہ اس کے دونوں ہاتھوں نے آگے کیا بھیجا ہوا ہے, کیا کرتوت ہیں جو بھیجے ہوئے ہیں. اگر تو ایمان لے آتا, ان آیات سے استفادہ کرتا, اپنے پر پچھتاتا, توبہ کرتا, اس دنیا ہی میں اپنے سابقہ گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی لے کر جاتا. لیکن یہ کہ یہاں تو صورت یہ ہے کہ وہ من اظلم ممن ذکر بے آیات رب ہی, اسے تذکیر کی گئی, نصیحت کی گئی اس کے رب کی آیات سے. فاعرض عنہا, اس نے اعراض کیا. وہ نسیہ ما قدمت یداہ, اور بھولے رہا وہ کہ کیا کچھ اس نے آگے بھیجا ہوا ہے, کیا جھاڑ جکار جو ہے اس نے عاقبت کے لیے تیار کیا ہوا ہے. انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃً یفقہوہ ہو, یہ مضمون بھی آ چکا ہے سورہ بنی اسرائیل میں, حجاب مستورا, اور ہم نے ان کے دلوں کے اوپر جو ہے پردے ڈال دیے ہیں. انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃً یفقہوہ ہو, ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں کہ اسے سمجھ نہ پائیں. وفی اذانہم وقرا, اور ان کے کانوں میں ہم نے ثقل پیدا کر دیا, بوجھ پیدا کر دیا کہ یہ سن نہیں سکتے. وان تدعوہم الی الہدا, اور اگر آپ پکاریں گے انہیں ہدایت کی طرف دعوت دیں گے, فلن یہتدوا اذا ابدا, تو یہ کبھی بھی ہدایت پانے والے نہیں ہیں. یعنی اب ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے, اب اللہ تعالیٰ کا وہ جو قانون ہے ہدایت و ضلالت کا, اس کی جو آخری دفاع ہے وہ ان کے اوپر لگ چکی ہے, ان کے اوپر اپلائی ہو چکی ہے. وربک الغفور ذو الرحمہ, اور آپ کا رب جو ہے بہت بخشنے والا ہے, بہت رحمت والا ہے. لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لهم العذاب, اگر وہ جو کچھ بھی ان کی کمائیاں ہیں جو کرتوت ہیں ان کے اوپر فوراً مؤاخذہ کر لیتا تو بہت جلدی ان کو عذاب جو ہے بھیج دیتا. اس سے پہلے آ چکا ہے پھر زمین کے اوپر تو کوئی ایک انسان بھی باقی نہ رہتا اگر فوری طور پر انسان کو جو ہے سزا دے دی جائے. لعجل لهم العذاب, تو اللہ تعالیٰ یقیناً بہت جلدی دے دیتا ان کو عذاب. بل لهم موعد, نہیں, ان کے لیے ایک وقت ہے, وعدے کا وقت ہے جو معین ہے. لن یجدوا من دونہ موئلا, وہ اس سے کہیں سرکنے کی جگہ نہیں پائیں گے. جب وہ اجل آ جائے گی, جب وہ موعد آ جائے گا, جو وعدے کا وقت آ جائے گا, پھر جیسے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں لا یستقدمون ولا یستاخرون, نہ اب آگے جا سکیں گے نہ پیچھے. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظُلَمُوا, اور یہ وہ بستیاں ہیں جن کا کہ ذکر ہم قرآن مجید میں بار بار کر چکے ہیں. یا احقاف کے اندر جو لوگ آباد تھے, اور یہ جو حجر میں لوگ تھے, اصحاب الایکہ تھے, وہ عمورہ اور صدوم کی بستیاں تھیں. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظُلَمُوا, ہم نے ان کے رہنے والوں کو ہلاک کیا جبکہ انہوں نے ظلم کی روش اختیار کی, شرک کی اور کفر کی روش اختیار کی. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا, اور ان کی بھی ہلاکت اور بربادی کے لیے ہم نے ایک وعدے کا وقت معین کر دیا تھا, اس وقت معین سے پہلے عذاب ان پر بھی نہیں آ سکتا تھا. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا. اب یہ دو رکوع ہیں کہ جن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ایک سفر کا ذکر ہے. روایات میں جو بات معلوم ہوتی ہے اور وہ اس قرآن مجید کے بیان کے ساتھ وہ چیز مطابقت رکھتی ہے, اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں جگہ پر جاؤ اور وہاں تمہیں ہمارا ایک بندہ ملے گا, اور وہ بندہ جو ہے بہت صاحب علم ہے, کچھ عرصہ اس کے پاس رہو. ہو سکتا ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی ابتدائی دور ہو نبوت کا, اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معلوم ہے روایات سے 3 برس تک جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا بندوبست کیا ہے, ایک فرشتہ جو ہے مستقل جو ہے آپ کے ساتھ رہا ہے. اسی طریقے سے شاید اللہ تعالیٰ نے کسی یا تو فرشتے کو جسے ہم خضر کہہ دیتے ہیں, یہ بھی کوئی یقین کے ساتھ معلوم نہیں کہ وہ خضر علیہ السلام, قرآن میں ان کا نام نہیں ہے, یہ بھی رائے ہے کہ وہ فرشتے ہیں, یہ بھی رائے ہے کہ وہ انسانوں میں سے کوئی انسان ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت لمبی عمر دے دی ہے, جیسے جن کو دے رکھی ہے ایک ابلیس کو, تو انسانوں میں سے ایک اچھے اپنے نیک اور اپنے پسندیدہ اور برگزیدہ انسان کو بھی اس نے بہت بڑی عمر دے رکھی ہے, وہ حضرت خضر ہے. واللہ عالم, اس کے بارے میں کوئی تفصیل ہم نہیں جان سکتے, لیکن یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہیں کسی جگہ پر کوئی ان کو یہ خیال آ گیا کہ شاید اس وقت روئے عرضی پر سب سے زیادہ علم جو ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے, لیکن اس کے لیے پھر ذرا تادیباً اور تربیتاً اور تعلیماً اب انہیں کہا گیا کہ فلاں ہمارا بندہ فلاں جگہ جاؤ, تمہاری ملاقات ہوگی, کچھ دیر اس کے پاس رہو اور دیکھو کہ وہ اس سے کیا حکمت تم سیکھ سکتے ہو. اب اس کے لیے حضرت موسیٰ نکلے ہیں اپنے نوجوان ساتھی خادم کے ساتھ, یوشع ابن نون ان کو ساتھ لے کر. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ, اور جب کہا موسیٰ نے اپنے اس نوجوان ساتھی سے جن کا نام یوشع ابن نون ہے
कि मैं नहीं बाज आऊंगा यहां तक के चलता रहूं और पहुंच जाऊं मजमाल बहरैन तक, जहां पर के दोनों दरिया मिल जाते हैं, औ अमजिया हुकबा, या फिर मैं चलता रहूंगा, चाहे वो मुझे सैकड़ों बरस गुजर जाए मैं चलता रहूंगा। बताया गया था मजमाल बहरैन पर वो मिलेगा और खास निशानी उसकी बता दी गई थी कि हमारा वो बंदा वहां मिलेगा तुम्हें। अब मजमाल बहरैन पर भी इख्तलाफ है। एक का तो ख्याल ये है, वो जो नक्शा मैंने आपको दिखाया था, कि ये जो रेड सी है इसकी जो दो खाड़ियां हो जाती हैं तो इनका जो मकाम इत्तिसाल है गोया कि वहां भेजा गया कि यहां पर। लेकिन सही राय ज्यादा जो है वो ये है कि ये जो दरिया नील आता है मिस्र में तो ये सूडान से आता है, तो दो दरिया मिलकर ये दरिया बनते हैं, अर नीलुल अर्ज़क अजरक और अर नीलुल अबियस, एक सफ़ेद रंग का पानी है और एक भी नीले रंग का पानी है। ये नक्शा हमें भी अटक पर नज़र आता है, दरिया सिंध जो तरबेला से निकल कर पानी आता है वो नीले रंग का है, और जो दरिया काबुल का पानी आ रहा होता है मगरिब से तो उसका वो पानी गदला है, और काफ़ी दूर तक फिर हमें नज़र आता है कि ये दरियाए काबुल का पानी चल रहा है गदले रंग का, और ये साफ साफ पानी जो है दरियाए सिंध का चल रहा है। तो उसी तरह का मामला वहाँ पर है, नील जो है नीला नील और सफ़ेद नील, अल नीलुल अज़रक और अल नीलुल अबियस, वहाँ पर पहुँचे हैं कहीं, ये यूँ समझिए खुरतूम के आस पास, कि मैं अब चलता जाऊंगा। फलम्मा बलगा मजमा बैने हिमा, जब ये पहुंच गए उस दोनों दरियाओं के मिलने की जगह पर, नसिया होता हुमा, ये बता दिया गया था कि एक जो मछली है तलकर उसको साथ ले लेना ताकि तुम्हारे वो गिज़ा का काम भी देगी, और उसी को निशानी बनाना था अल्लाह ने बताने के लिए कि किस जगह पर वो उस शख्स से मुलाकात होगी। जब वो पहुंचे उन दोनों के मजमे के मकाम पर, नसिया होता हुमा, तो उन्होंने भूल गए अपनी उस मछली को, फतखद सबीलहु फिल बहरि सरबा, और वो मछली जो है वो जिंदा होकर, हालांकि भुनी हुई थी तली हुई थी, वो जिंदा होकर और उसने वो सुरंग सी बनाकर और समंदर में चली गई। फलमा जावजा, अब ये नक्शा जो है ये उनके जो साथी थे यूशा इब्न नून, उन्होंने देखा है अपनी निगाह से कि यह मामला हुआ है, लेकिन ये कि उसका तस्करा करना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से भूल गए। फलमा जावजा, जब वो वहां से आगे निकल गए, कालल फताह आतना गदा ना, उन्होंने अपने उस नौजवान साथी से कहा, खादिम से, कि भाई हमारा वो खाना ले आओ, नाश्ता ले आओ, लकद लकीना मिन सफर ना हजा नसबा, हम तो अब हमें इस सफ़र से कुछ तकान तारी हो गई है, एग्जॉस्टन हो रही है। और यहाँ ये नुक्ता बयान किया है मुफस्सरीन ने कि चूंकि उस असल मकाम से आगे निकल आए थे इसलिए अब तकान हुई है, वरना जो मकाम तक पहुँचना था वहाँ तक उन्हें तकान का कोई एहसास नहीं हुआ। काला राय तवैना इलासख्र थे, उस नौजवान ने यह कहा खादिम ने कि आप देखिए जब हम उस चट्टान के पास थोड़ी देर के लिए रुके थे सस्ताने के लिए, फैनी नसीतुल हूत, तो मैं उस मछली की पर निगाह रखना भूल गया, उसकी हिफाजत करना भूल गया, वमा अंसानी हो इला शैतान अनस्कुरा, और शैतान ने मुझे बुलाए रखा कि मैं आपसे जिक्र भी नहीं कर सका। व तखदा सबीलहू फिल बहर, वो तो जिंदा होकर और उसने अपना रास्ता बनाया और समंदर में उतर गई या दरिया में उतर गई। अजबा, बहुत अजीब ये वाकया था जो पेश आया था। काला जाले का मा कुन्ना नबगे, अब हजरत मूसा ने कहा इसी के तो हम तलाश में थे, यही तो निशानी बताई गई थी कि यहाँ पर, अब चलो वापस वहीं। फरतद्दा अला आसारे हिमा कसासा, तो वो अब लौटे अपने नकूश पा को देखते हुए, चूंकि वहीं पहुँचना है अब जहाँ पर कि वो मछली जो है वो जिंदा होकर और दरिया में उतर गई थी। फवजदा अब्दम में निदादिन, अब जो वहाँ पहुँचे तो पाया हमारे बंदों में से एक खास बंदे को, आतैनाहु रहमतम मिन इंदेना, हमने उसे रहमत अता की थी खास अपने पास से, वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा, और उसे इल्म सिखाया था खास अपने पास से। ये इल्म लदुन्नी एक इस्तिलाह है जो यहीं से लफ्ज अख़्ज़ किया गया है। एक इल्म वो है जो हम सीखते हैं, जो भी पढ़ते हैं सीखते हैं, तफसीर पढ़ी है, अरबी पढ़ी है, नहव पढ़ी है, फ़िक़्ह पढ़ी है, ये इल्म हासिल हो रहा है, या जोग्राफी पढ़ी है, तारीख पढ़ी है। एक वो इल्म जो अल्लाह किसी के दिल में डाल देता है बग़ैर किसी मादी तौर पर दुनियावी एतबार से किसी तहसील इल्म की मुशक्क़त से गुजरे हुए, इसको इल्म लदुन्नी कहते हैं। दुन लदुन कहते हैं नज़दीक, लदुन अल्लाह लदुन्नी, हमने अपने पास से अपने ख़ास खजाना फ़ज़ल से, ख़ास खजाना फैज़ से उसे इल्म अता किया था, हमने उसे रहमत भी थी दी थी। आतैनाहु रहमतम मिन इंदिना वअल्लमनाहु मिन लदुन्ना इल्मा। क़ाल लहू मूसा, उनसे कहा मूसा ने, हल अत्तबेओ का, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ अर्सा आपके साथ रहूँ, अला अंतुअल्लिमनी मिम्मा उल्लिमता रुश्दा, लेकिन इसलिए इस शर्त के साथ कि आप मुझे भी सिखाएं कुछ जो आपको इल्म दिया गया है, और जो बड़ी सआदत मुझे अल्लाह ने बताया है कि आपको अल्लाह ने बड़ा अक्ल, बड़ी समझ बूझ और बड़ी हिकमत अता की है। काला इन्नक लन तस्तती माया सबरा, उन्होंने कहा कि देखो तुम मेरे साथ रहकर सब्र नहीं कर सकोगे।
व कैफ तस्बर आलाम तोहित भई खुबरा, और कैसे सब्र करोगे उस चीज़ पर कि जिसका के इल्म तुम्हारे पास नहीं है, जिसका तुमने इहाता नहीं किया है, तुम्हें तो बात बड़ी गलत लगेगी, अजीब सी लगेगी। काला सतजदनी इंशाअल्लाह साबिरन, हजरत मूसा ने कहा कि नहीं इंशाअल्लाह आप मुझे साबिर पाएंगे, मैं सब्र करूँगा, व ला आसी लका अमरा, और मैं आपकी किसी हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा। अब देखिए यहाँ इंशाअल्लाह सब्र के साथ तो आ गया, वला आसी लका अमरा, आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा, यहाँ इंशाअल्लाह नहीं आया है, और इसी में खिलाफ वर्जी हो गई, यानी ये कि उन्होंने जो हुक्म दिया था फिर उसकी वो पाबंदी नहीं कर पाए। वला तकूलन लिशैइन इन्नी ज़ाइलुन इन्नी फ़ाइलुन ज़ालिका गदन, उसके साथ इसको जोड़ लीजिए जो हम पढ़ा इसी सूरत में, हुजूर से कहा गया था कभी ना ये कहिएगा, यहाँ भी कहते इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगा, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल करम से मैं आपके हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करूँगा। काला फनी तबाह का नहीं, अब ये हुक्म है उनका, उन्होंने कहा कि अगर तुम मेरे साथ चलना चाहते हो रहना चाहते हो, फला तसली अनशैन, तो किसी चीज़ के बारे में मुझसे खुद मत पूछना, हत्ता ओहदेसा लका मिन्हु ज़िक्रा, यहाँ तक कि मैं खुद उसके बारे में कोई तस्करा करूँ, बस देखते जाओ जो भी मेरे साथ हो रहा है, देखते रहो, ऑब्जर्व करो, चुप रहो, खामोश रहो, मैं जब मुनासिब समझूंगा जो असल हिकमत है उन चीज़ों की जो तुम्हारे मुशाहदे में आएंगी वो मैं तुम्हें बता दूंगा, लेकिन तुम मुझसे सवाल नहीं करोगे। फन तलाका, अब वो दोनों चले, गोया कि हजरत मूसा ने वो बात मान ली। हत्ता इज़ा रकिबा फिस सफीनते, यहाँ तक कि जब वो दोनों सवार हुए कश्ती में, खरा कहा, अब इन साहब ने, ये जो साहिब मूसा इन्हें कहें या हजरत खिदर कहें, उन्होंने कश्ती का एक तख्ता उखाड़ दिया। काला खरकतहा ले तुगरिका अला, अब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम कहाँ खामोश रहने वाले थे, इतना गलत काम कर रहे हो, तुम सारी कश्ती को डुबोना चाहते हो, क्या तुमने तोड़ डाला है, फाड़ दिया है इस कश्ती को ताकि गर्क कर दो इसके अंदर जो सवार हैं उन सबको। लक़द जेता शैय्यन इमरा, ये तो आपने एक बहुत गलत काम किया, बहुत भारी एक जुर्म है जो आपसे सरज़द हुआ है। काला अलम अकुल इन्नक लन तस्तती माया सबरा, उन्होंने कहा क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। तो असल बात समझ लीजिए वो क्या है कि दुनिया में जो जाहिर में कोई अमल हो रहा होता है हम उसको देखते हैं, उसके पीछे अल्लाह की क्या मशीयत काम कर रही है वो हमें नज़र नहीं आती। बज़ाहिर कोई शय हमारे लिए बुरी है, उसके पीछे कोई खैर आ रहा है, हम उस बुरी चीज़ को बुरा समझकर और वो हम जो है नाला और शैवन का मामला इख्तियार कर लेते हैं। आसान तक रहूँ शैयन वह हुआ खैर उल्लकू, आसान तो ही शैयन वह हुआ शर उल्लकू, वल्लाहु यालमु वअंतुम ला तालमून, ये है असल में वो बात कि जो सूरह बकरा में हमने पढ़ी थी। हो सकता है तुम किसी चीज़ को बुरा समझो जबकि हकीकत में वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज़ को अच्छा समझो हकीकत में तुम्हारे लिए वो मुज़िर हो, अल्लाह जानता तुम नहीं जानते। तो तफवीज़ुल अम्र होना चाहिए अल्लाह की तरफ, ए अल्लाह जो तुझे मेरे लिए पसंद है। लेकिन ये जो भी फरिश्ते कर रहे होते हैं, और जाहिर बात है ये भी हो सकता है फरिश्ते हों या औलिया अल्लाह में से किसी की रूह है, तो जैसा कि शाह वलीउल्लाह का कौल मैंने आपको सुनाया है कि वो भी मलाइका के तबका अफसल में असफल में शामिल हो जाते हैं और वही अल्लाह ताला के अहकाम की जो है तनफीज़ करते हैं। तो ये शरी अहकाम नहीं है, ये तकवीनी अहकाम है। किसी का बच्चा जो है छत के ऊपर से गिरा मर गया, अब वो तो चीख रहा है, माँ भी चीख रही है, बहन भाई भी चीख रहे हैं, अब क्या पता कि ये बच्चा जो है अगर बड़ा हो जाता तो ये माँ बाप के लिए सुहाने रूह होता, अल्लाह ने उनके लिए खैर किया है कि इस बच्चे को इस वक्त ले लिया है, लेकिन उन्हें तो पता नहीं कि आइंदा क्या होना था। तो हम जाहिर को देखकर जो है घबरा जाते हैं और उसको अपने लिए बुरा समझ बैठते हैं, जबकि अल्लाह ताला की बेयदिकल खैर, अल्लाह के हाथ में खैर ही खैर है, लेकिन हमारी शॉर्ट साइटेडनेस है कि जिसकी वजह से हम चीज़ों को किसी और रंग में ले रहे हैं। उसके लिए ये तीन वाकयात हैं कि जो उन्हें दिखाए गए। काल ला तो आखिजनी बिमा नसी तो वला तुरहिकनी बिन अमरी उसरा, तो उन्होंने कहा हजरत मूसा ने अर्ज किया ला तो आखिजनी बिना नस, मुझसे मुआवजा न कीजिए उस पर कि मैं भूल गया, मैं भूल गया कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपसे कोई सवाल नहीं करूंगा। वला तुरहिकनी मिन अमरी उसरा, और ना दबाव डालिए मुझ पर मेरे मामले में, कुछ ज्यादा सख्ती ना कीजिए, ऐसा ना हो कि एक ही दफा की मेरी गलती के ऊपर कह दें जाओ अब यहां से, बल्कि जरा ये नरमी कीजिए। फन तलका, फिर चले दोनों। हत्या लकिया गुलाम कतलहू, अजब एक नौजवान से मुलाकात हुई, उसने कत्ल कर दिया उसको। हजरत खिदर ने काला कतल था नफसन जकीयतम बगैर नफसिन, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिर बोले ये क्या किया आपने, एक बेगुनाह जान को आपने कत्ल कर दिया इसके बगैर कि उसने किसी का खून बहाया हो। लकद जेता शैय्यन नुकरा, ये तो आपने बहुत ही नामाकूल हरकत की है। काला अलम नकल अंतस्तती, अब उन्होंने भी जरा डांट के अंदाज में कहा अलम अकुल लका, क्या मैंने नहीं कहा था तुमसे कि तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। काला इन साल तो कानशाइन वादा फला तो साहिब नहीं,
حضرت موسیٰ نے عرض کیا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب اگر تیسری مرتبہ مجھ سے غلطی ہو جائے، دوسری مرتبہ اور مجھے معافی دے دیں، اگر اب میں اس کے بعد کوئی آپ سے سوال کروں تو پھر ٹھیک ہے، آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیے گا، فلا تو صاحب نہیں، پھر یہ کہ مجھے میں اپنا راستہ لے لوں گا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، میری جانب سے آپ نے جو ہے حجت قائم کر دی ہے، اور آپ عذر جو ہے اب آپ کر سکتے ہیں کہ آپ میرے ساتھ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں، یعنی خطا میری ہے۔ فانطلقا، پھر چلے، حتی اذا اتیا اہل قریت استطعما اہلہا، اور جب یہاں تک کہ وہ پہنچے ایک بستی والوں کے پاس، وہاں انہوں نے ان سے چاہا کہ وہ انہیں کھانا کھلائیں، مسافر جیسے ہوتے ہیں کہ بھائی ہم لوگ آئے ہیں، مسافر ہیں، آپ کی بستی میں آئے ہیں تو ہمیں کھانا کھلائیے۔ فابوا ان یضیفوہما، تو وہاں کی بستی والوں نے، وہ ایسے کچھ کٹھور اور شقی لوگ تھے، انکار کر دیا ان کی ضیافت سے، انہیں کچھ کھانے کو نہیں دیا۔ فوجدا فیہا جدارا، وہاں انہوں نے دیکھا ایک دیوار، یرید ان ینقض، کہ بالکل گرنے کو ہے، ٹوٹنے کو ہے، گرنے کو ہے۔ فاقامہ، تو وہ حضرت خضر نے اس کو سیدھا کر دیا، بنا دیا اور سیدھا کر دیا، مضبوط کر دیا۔ قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، تو حضرت موسیٰ نے پھر کہا کہ اگر آپ چاہتے، یہ اتنے ناہنجار لوگ، انہوں نے مسافروں کو کھانا تک نہیں دیا، اور آپ نے بغیر مزدوری لیے ہوئے ان کا کام کر دیا، ان کی دیوار سیدھی کر دی، لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، آپ اس پر اجرت طلب کرتے ان سے، اور یہ جو اجرت سے جو ہے بہرحال ہم جو ہے کچھ نہ کچھ کھاتے پیتے۔ قال ھذا فراق بینی و بینک، کا بس یہ اب میرے اور آپ کے درمیان اب علیحدگی کا وقت ہے۔ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، اب میں تمہیں بتائے دیتا ہوں اصل راز اور حقیقت ان چیزوں کا جس پر کہ آپ صبر نہ کر سکے۔ اما سفینہ، جہاں تک اس کشتی کا معاملہ ہے، فکانت لمساکین یعملون فی البحر، تو یہ ان مزدوروں کی ملکیت تھی کہ جو دریا میں محنت کرتے ہیں، جیسے کشتی ہے ادھر سے ادھر اتار دیا، دو دو پیسے لے لیے، ایک ایک پیسہ لے لیا، یہ مزدوری کر رہے ہیں، ان کے لیے گویا کہ کمائی کا اور ان کی معاش کا یہی ذریعہ ہے۔ فاردت ان عیبہا، میں نے یہ چاہا کہ اس کو عیب دار کر دوں۔ وکان وراہم ملک یاخذ کل سفینۃ غصبا، جبکہ آگے جو ہے ایک بادشاہ تھا، حاکم تھا، جو ہر کشتی کو کہ جو ثابت و سالم ہے اسے وہ غصب کر رہا ہے، اس کو جو ہے کنفسکیٹ کر رہا ہے، جیسے آج کل بھی ہوتا ہے ہمارے ہاں، وہ ویگنز جو ہیں وہ پولیس والے روک لیتے ہیں، تو اسی طریقے سے وہ جو ہے قبضہ کر رہا ہے ان پر۔ یاخذ کل سفینۃ غصبہ، اب وہ دیکھے گا کہ یہ تو ٹوٹی بھی کشتی چھوڑ دے گا، تو کشتی میں ایک تختہ لگا لینا تو آسان کام ہے، پوری تختی جا رہی تھی، تو میں نے ایک تختہ جو ان کا جو ہے توڑ دیا ہے تاکہ اسے ناقص سمجھ کر وہ بادشاہ جو ہے اسے ریجیکٹ کر دے اور اس کشتی کو نہ لے، تو ان مزدوروں کی پوری کشتی بچ جائے۔ ایک تختہ توڑنے سے تختی بچتی ہے، اور یہ سالم رہتی تختی تو پوری کشتی جا رہی تھی، تو میں نے ان کی خیر کے لیے کیا ہے، جس کو تم نے یہ سمجھا کہ شاید میں لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا ہے۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور جہاں تک اس لڑکے کا معاملہ ہے، جوان نوجوان کا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے والدین بڑے نیک اور صالح ہیں، والدین دونوں کے دونوں، فَخَشِينَا يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، اب ظاہر بات ہے کہ حضرت خضر کو معلوم ہوگا کہ اس کے جینز اچھے نہیں ہیں، بڑے شرارتی قسم کے جین اس کے اندر ہیں، اور یہ جب جوان ہوگا تو یہ آوارہ ہو کر اٹھے گا اور بہت سخت ہوگا اور اپنے والدین کے لیے سوہان روح بن جائے گا۔ یرہقہما طغیانم و کفرا، ناشکری اور زبردستی کر کے ان کو عاجز کرے گا، ستائے گا۔ فاردنا یبدلہما ربہما خیرا منہ زکاتم و اقرب رحما، تو ہم نے یہ چاہا کہ ان کا رب ان کے لیے بدل دے، اس سے بہتر اولاد اسے دے، بیٹا دے دے، کہ جو اس کے لیے پاکیزگی میں بھی اور شفقت اور رحمت میں بھی اس سے بہتر ہو، جو ان کے لیے بڑھاپے میں سہارا بن سکے۔ تو ہم نے صرف یہ کیا ہے کہ یہ بچہ جو ہے وہ یہ ساری چیزیں جو اللہ کے حکم سے میں کر رہا ہوں، یہ گویا کہ تکوینی امور ہیں جو ہو رہے ہیں، یہ تشریعی امور نہیں ہے، تم شریعت کے حوالے سے دیکھ رہے ہو اور میں یہ تکوینی معاملات کر رہا ہوں اللہ کے حکم کے مطابق، اور یہ درحقیقت رحمت ہے، جس کو کہ لوگوں نے یہ سمجھا ہوگا، جن کا بچہ جو والدین کا فوت ہو گیا تو ان کے اوپر تو پہاڑ ٹوٹ پڑا ہوگا غم کا، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے خیر کے لیے کیا۔ وہ عمل جدار، اور جہاں تک اس دیوار کا معاملہ ہے، فکانہ غلامین یتیمین فی المدینہ تھے، تو یہ دو غلام لڑکوں کی دیوار ہے جو شہر میں رہتے ہیں۔ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَّهُمَا، اور اس دیوار کی جڑ میں ان کے لیے ایک دفینہ ہے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان کا باپ جو ہے وہ بہت نیک آدمی تھا، باپ نیک تھا، عین وہ جو سمجھئے کہ کسی جوانی میں یا کوئی وقت جو ہے وہ اس کی موت کا وقت آ گیا، بچے چھوٹے چھوٹے تھے، اس نے کچھ اپنی پونجی جو ہے گھر کے اندر ایک دیوار کی جڑ کے اندر بنیاد کے اندر دفن کر دی، یہ بڑے ہو جائیں بچے نکال لیں۔ اب چونکہ وہ نیک تھا،
लिहाजा अल्लाह ताला की तरफ से उसका एहतमाम हो रहा है। दीवार अगर इस वक्त गिर गई होती तो ये खजाना जाहिर हो जाता, और अभी वो बच्चे जो हैं वो छोटे हैं, तो लिहाजा ये लोग जो हैं बस्ती वाले कितने नाहंजार हैं, जिन्होंने हमें खाने को नहीं दिया है, वो क्या यतीमों के उस माल की का लिहाज करेंगे, वो सारा का सारा उस माल को कब्जा कर लेंगे। तो मैंने वो दीवार बना दी है। काना अबू हुमा सालिहा, उनका बाप बहुत नेक आदमी था। फारादा रब्बू का यब लोग अशुद्दा हुमा, तो आपके रब का ये फैसला हुआ कि ये दोनों बच्चे जो हैं अपनी पूरी जवानी को, पुख्तगी को, बलूगत को पहुंच जाएं, भाई यस्तखरिजा कंजा हुमा, और फिर वो अपना खजाना निकाल लें। रहमतम मिन रब्बिक, ये तीनों उमूर आपके रब की रहमत का मंजर है। बज़ाहिर जो भी नजर आ रहा है, तो दुनिया में जो हालात वाकयात हो रहे हैं ये हकीकत है। दुनिया के एतबार से हम उसके ज़ाहिर को देखते हैं, और ज़ाहिर के हवाले से ही दिल गिरफ्तार हो गए, रंजीदा हो गए, नुकसान हो गया, ये हो गया। हाँ ए फलक पीर जवां था अभी आरिफ, क्या तेरा बिगड़ता जो ना मरता कोई दिन, और मरसियों पर मरसिए कहे जा रहे हैं, ये सब कुछ होता है। लेकिन ये कि ये पता नहीं होता कि अल्लाह ताला की तरफ से जो भी है वो खैर है, उसी में भलाई है। तो बंदा मोमिन का काम क्या है? तफवीज़ुल अम्र इलल्लाह, अपने मामलात को अल्लाह के हवाले कर दे, राज़ी बरज़ाए रब, जो अल्लाह की तरफ से आया। हर चाकी मारीख ऐन अल्ताफ़, रहमतम मिन रब्बिक, ये सब कुछ रहमत था, रहमत है आपके रब की तरफ से। वमा फालतुहु अल अमरी, ये मैंने अपने जी से नहीं किया है, मेरा फैसला नहीं है। यानी ये जो भी थे, चाहे फरिश्ते थे और चाहे कोई नेक इंसान है जिन्हें अल्लाह ने बहुत लंबी जिंदगी दे दी है, चाहे ये कोई रूह है कि जो इंसानी शक्ल में फिर आ गई है, कि जो अल्लाह ताला ने किसी वलीउल्लाह की रूह को जो है वो तवील जिंदगी दे रखी है, कोई भी है, इससे कोई फर्क वाकई नहीं होता। लेकिन यह कि वो दर हकीकत कारकुनान कजा व कदर की फौज में रिक्रूट हो गए, वो जो फैसले कर रहे हैं, जिसकी तनफीज कर रहे हैं, उसका शरीयत से ताल्लुक नहीं है, वो तकवीनी उमूर है अल्लाह ताला के। ज़ालिका तावील वमालम तस्ते अलैहि सबरा, ये है तावील, ये है असल हकीकत, ये है असल राज उन चीजों का, जिस पर कि ए मूसा तुम सब्र न कर पाए। वयसअलूनका अनिल क़र्नैन कुल सअतलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा, सदकल्लाहुल अज़ीम। ज़ुल्क़र्नैन के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि इनका नाम तारीख में जो मशहूर है वो कै खुसरो या साइरस, और इन्हीं से असल में ईरान की अजमत के दौर का आगाज़ हुआ था। चुनाचे तकरीबन मैं समझता हूँ कि शायद 25-30 साल पहले की बात है, जब शहनशाह ईरान, उस वक्त जबकि उनकी बादशाहत जो है वो बड़े उरूज पर थी, उन्होंने 2500 साल बरसी मनाई थी इन्हीं कै खुसरो की, साइरस की। इनकी कब्र जो है मकबरा वो दरियाफ्त हो गया था, और वहाँ पर इनका एक मुजस्मा भी दरियाफ्त हुआ था खुदाई पर। उस मुजस्मे में वो दो लगे हुए थे सींग भी। इस मौजू पर सबसे पहले मौलाना अबुल कलाम आज़ाद मरहूम ने, जो अपनी तर्जुमानुल कुरान के नाम से उन्होंने मुख्तसर तर्जुमा और तफसीर लिखी है, उसमें बड़े तफसीली नोट्स लिखे हैं। सबसे पहले अहले इल्म के हलके में इनके बारे में जो मालूमात हैं वो उनके ज़रिए से आई हैं, अब ये तकरीबन यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। फिर सवाल पैदा होता है कि इनसे क्या दिलचस्पी यहूद को थी, तो वो भी समझ लीजिए कि नबूकदनज़र ने 587 कबले मसीह में हमला किया था फिलिस्तीन पर, और नबूकदनज़र इराक का बादशाह था। इस मिडल ईस्ट को जहन में रखिए कि मेडिट्रेनियन के बिल्कुल साथ है मुल्क शाम, और शाम ही का एक इलाका फिलिस्तीन है। इस वक्त जो है ये फिलिस्तीन और इसराइल और शर्क अर्दन और वेस्ट बैंक और लबनान, ये सब मिलकर जो मुल्क बनते हैं, दर हकीकत ये शाम अरब है, ये शाम है। फिर इसके मशरक में ये इराक़ अरब या इराक है, और उसके मशरक में फिर ईरान है। तो इराक़ का बादशाह था जिसने हमला किया था यरूशलम पर, तबाह बर्बाद किया, और इनको कैदी बनाकर ले गया। कैप्टिविटी का दौर इनका तकरीबन 150 बरस का है। लेकिन इस अरसे में ईरान में ये शख्सियत उभरी कै खुसरो की या साइरस की। उसने फिर फतूहात का दायरा शुरू किया, तो सबसे पहले इराक को फतह किया, बेबीलोनिया को, और यहाँ पर जो ये असीर थे यहूदी, इनको इजाज़त दे दी कि तुम वापस जाओ, अपना यरूशलेम आज़ाद करो, अपने जाकर आबाद कर लो दोबारा। तो गोया कि ये मोहसिन हैं इनके, ज़ुल्क़र्नैन जो है इनके मोहसिन हैं, जिनकी वजह से कि जिनके ज़रिए से अल्लाह ताला ने इन्हें बेबीलोनिया यानी इराक की कैप्टिविटी, जो उनकी असारत का दौर था, उसको ख़त्म किया, आज़ादी मिली, और फिर ये वापस आए। हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के साथ काफ़िला आया है, और वो तकरीबन फिर उन्होंने आकर यहाँ असर नौ इस शहर को भी आबाद किया, और हैकल जो है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का बनाया हुआ जो इबादत खाना था उसको दोबारा तामीर किया।
इस एतबार से ज़ुल्करनैन जो है वो इनकी तारीख में एक मारूफ शख्सियत है। तारीख से मालूम होता है कि इनके उन्होंने फिर ईरान की पहली हुकूमत को कंसोलिडेट करके पारस और मादा को मिलाकर एक सल्तनत ईरान बनाई। फिर इनकी फतूहात के तीन दायरे हैं, मगरिब की तरफ मेडिट्रेनियन तक पूरा इलाका फतह कर लिया, मशरिक में फिर ये हमारा जो मकरान तक का इलाका है ये सारा का सारा इलाका ईरान के साथ ही मिलता हुआ है, बलूचिस्तान मकरान ये पूरा इलाका इन्हें फतह किया। एक मुहिम इनकी शिमाल की तरफ गई, बहरे कैस्पियन जो है और उधर से जो वो ब्लैक सी है बहरे अस्वद, इन दोनों के दरमियान जो पहाड़ी सिलसिले हैं ये शिमाल की तरफ जो है तीसरी मुहिम गई। जैसे कि हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के अहद में भी तीन लश्कर निकले थे मुसलमानों के जज़ीरा नुमा अरब से, एक लश्कर शाम से होता हुआ फिर मिस्र की तरफ गया है, एक लश्कर इराक़ से होता हुआ ईरान की तरफ गया है, और एक लश्कर सीधा शिमाल की तरफ गया है और कोहे काफ़ तक जो है जिसको कॉकेशिया कहते हैं वहाँ तक की फतूहत हासिल की मुसलमानों ने। तो तकरीबन यही समझिए कि एक ब्लूप्रिंट था जो कि यानी हमारे इस दौर खिलाफत राशिदा से जो समझिए कि लगभग कोई 2000 साल कबल जो है ये वाक़ा पेश आया है, या बल्कि उससे कम कोई 1500 साल कबल ये वाक़ा पेश आया है, और ये ज़ुल्करनैन जो है ये यहाँ पर एक बड़ी अजीम सल्तनत के बानी बने। लेकिन नेक आदमी थे, और मालूम ये होता है कि ये असल में जो कहानियाँ हैं या इनके दास्तानें हैं कि इनको कत्ल किया जाना था, ये कहीं शहजादे थे किसी छोटी सी ममलकत के और वहाँ से इनको किसी ने बचाया किसी तरीके से, और फिर ये सहरा में रहे रूपोश, और वहाँ किसी नबी की तालीम से इनको आशनाई हुई है। हो सकता है कोई इसराइली नबी ही की तालीम हो, ये भी हो सकता है कि जरदश्त जो हैं वो भी कोई अल्लाह के नबी हों और उनकी तालीम इन तक पहुंची हो, लेकिन ख़ुद इनका किरदार जो कुरान पेश कर रहा है वो बहुत एक नेक मोमिन सालेह एक बंदा है मोमिन उसका किरदार है। ये किरदार जो है किसी भी दर्जे में 1% भी जो है वो किसी और दूसरे फातह पर या किसी और हुक्मरान के ऊपर जिन्हें भी हम जानते हैं तारीखी एतबार से उन पर मुंतबिक नहीं होता, ये इन्हीं की शख्सियत है। भैया सलून का ज़ुल्करनैन और नबी आपसे पूछ रहे हैं ज़ुल्करनैन के बारे में, कुल सातलू अलैकुम मिन्हु ज़िक्रा, इनसे कहिए मैं अनकरीब तुम्हें उसके बारे में कुछ हालात बताता हूँ। इन्ना मक्कन्ना लहू फिल अर्ध, हमने उसे ज़मीन में बड़ा तमक्कुन अता किया था गलबा अता किया था, वह आतैनाहु मिन कुल्लि शैइन सबबा, और हमने उसे हर तरह का साजो सामान वसाइल व ज़राए तमाम असबाब जो हैं फराहम कर दिए थे। फातबा सबबा, तो उन्होंने फिर एक मुहिम तैयार की यानी एक फतूहात का दायरा मगरिब की तरफ, हत्ता इज़ा बलग मगरिब शम्स, यहाँ तक कि जब वो सूरज के गुरूब होने की जगह तक पहुँच गए। अब ये पुराने ज़माने में जाहिर बात है कि पूरा इससे ज़्यादा नक्शा तो लोगों को मालूम भी नहीं था, जब मेडिट्रेनियन के साहिल पर पहुँच गए तो मालूम हुआ आगे तो समंदर है, और समंदर में फिर आदमी को महसूस होता है सूरज डूबता हुआ। अगर आप साहिल समंदर पर खड़े होकर देखें तो मालूम होता है समंदर में सूरज डूब रहा है, तो ये गोया कि मगरिब शम्स बन गया उनके लिए वो ये सूरज के डूबने की जगह। हत्ता इज़ा बलग मगरिब शम्स, जब वो पहुँच गए सूरज के गुरूब होने की जगह, वजद हा तगरबु फी ऐनिन हमियतिन, तो उन्होंने देखा उसे डूबते हुए वो डूब रहा है एक बड़े गदले से समंदर के अंदर। वो जो वहाँ का समंदर है बड़ा गदला सा है, ये एजियन सी वगैरह जो कहलाते हैं ये बहुत गदले से पानी के हैं। वह वजद इंदा कौमा, और वहाँ उन्होंने एक कौम को पाया मुराद ये कि उस कौम पर इन्हें फतह हुई, जंग हुई, इन्होंने उनको शिकस्त दी और वो कौम गोया कि अब इनके रहम करम पर इनकी गोया कि वो महकूम हो गई। कुलना या ज़ुल्करनैन, हमने कहा ज़ुल्करनैन से, अब या तो ये कि ये शायद नबी हो अल्लाह आलम, तो अल्लाह ताला का इस तरीके से बराह रास्त उनको वही करना, लेकिन गैर नबी को भी अल्लाह ताला इल्हाम के ज़रिए से, जैसा कि हमने देखा कि वो तो शहद की मक्खी को भी लफ्ज़ वही आया है, तो यहाँ आया हमने कहा ऐ कुरनैन, और ये भी हो सकता है ये सूरत हाल की ताबीर हो कि गोया के वो हालात ज़माने हाल से ये कह रहे थे। कुल्ला या ज़ुल्करनैन ईमान तुअज़्ज़िबा व ईमान तत्तख़िज़ फ़ीहिम हुस्ना, कि या ज़ुल्करनैन तुम्हें अब पूरा इख्तियार है, चाहो तो ये जो मफतूह कौम है तुम्हारी उसे तुम सजा दो अज़ाब दो सताओ उन्हें, या ये कि तुम इनके अंदर अच्छी रविश इख्तियार करो उनके साथ हुस्न सलूक करो। काला, उन्होंने कहा अम्मा मन ज़लमा, जो कोई ज़ालिम है बेइंसाफ़ है, हो सकता है इससे मुराद कुफ्र और शिर्क भी हो, फ़सौफ़ा नुअज़्ज़िबुहु सुम्मा युरद्दु इला रब्बिही फ़युअज़्ज़िबुहु अज़ाबन नुकरा, तो उसे तो हम अज़ाब देंगे सज़ा देंगे और फिर वो लौटाया जाएगा अपने रब की तरफ, फिर उसका रब उसको अज़ाब देगा जो असल अज़ाब है बुरा अज़ाब सख्त अज़ाब।
وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا, جو لوگ ایمان لائیں گے اور یقین کریں گے حقائق پر, اللہ کو مانیں گے, وَعَمِلَ صَالِحًا اور نیک عمل کریں گے, فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى, تو اس کو ہم اچھا بدلہ بھی دیں گے, وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا, اور اس سے ہم اپنے معاملے میں بھی نرم بات کریں گے, یعنی یہ کہ ان سے ٹیکس اگر لینے ہیں تو نرمی کے ساتھ لیں گے, جو بھی جو مفتوحہ ممالک کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو ہم ان کے ساتھ نرمی کا سلوک کریں گے جو ایمان لے آئیں گے. ثم اتبع سبابا, مغرب کی طرف سے فارغ ہو کر پھر اب یہ مشرق کی طرف گئے, پھر انہوں نے ایک اور مہم کا مرکز کیا, حتی اذا بلغ مطلع الشمس, یہاں تک کہ جب وہ سورج کے طلوع ہونے کی جگہ تک پہنچ گئے. اب یہ جہاں تک تاریخی طور پر ثابت ہے وہ صرف مکران کے علاقے تک اتنی دور تک آئے ہیں, واللہ عالم, ہو سکتا ہے کہ مکران کے ساحل پر کھڑے ہو کر بھی انہیں محسوس ہوا ہو کہ بس اب یہ سورج جو ہے غروب ہو رہا ہے یا طلوع ہو رہا ہے وہاں سے. مطلع الشمس, تو وہاں جب پہنچے, وجدہا تطلع علی قوم لم نجعل لہم من دونہا سترا, تو انہوں نے پایا اس کو کہ وہ طلوع ہوتا ہے ایک ایسی قوم پر کہ جس کے لیے ہم نے آفتاب سے کوئی اوٹ نہیں رکھی ہے. یعنی یہاں کے جو قبائل تھے, گیڈروسیا وغیرہ یہ کہلاتا تھا اس زمانے کے اندر, یہ وحشی قبائل تھے, ان کو ابھی چھت بنانے کا فن نہیں آیا تھا. یعنی گھر جو ہوتے تھے وہ صرف دیواریں کھڑی ہوتی تھیں, کہ جو خالی پلاٹ ہے زمین کا اس میں یہ دیوار کھڑی ہے, یہ میرا گھر ہے تمہارا گھر ہے, لیکن گھر میں چھت وغیرہ کبھی کوئی تصور ان کے ہاں نہیں تھا. ظاہر بات ہے کہ چھت ڈالنا جو ہے یہ تو ایک تمدن کے ارتقاء کے دور کی علامت ہے. تو وہ بغیر کسی سورج کے سائے کے وہ اپنی زندگی گزارتے تھے. کذالک, ایسا ہی ہوا وہاں بھی, یعنی جو پہلے ہوا تھا, کہ یہاں بھی معاملہ وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اختیار مطلق انہیں دیا, فتح دی, لیکن انہوں نے یہاں بھی یہی کہا کہ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے ساتھ ہم نرمی کریں گے اور جو شریر ہوں گے ان کو سخت سزا دیں گے. وقد احطنا بما لديه خبرا, اور ہمیں پوری طرح معلوم ہے کہ جو وہاں اس کی خبر ہوئی اور جو بھی حالات وہاں گزرے, جو ماجرا وہاں ہوا. ثم اتبع سببا, اب یہ تیسری آ رہی ہے, ثم اتبع سببا, پھر اس نے ایک اور مہم تیار کی, یہ شمالی مہم ہے. حتی اذا بلغ بین السدین, یہاں تک کہ جب وہ دونوں پہاڑوں کے درمیان پہنچ گئے, دو دیواروں کے درمیان پہنچ گئے. تو یہ سمجھ لیجئے بحیرہ کیسپین داہنی طرف ہے مشرق میں, اور بلیک سی بحر اسود, اس کے درمیان یہ سلسلہ کوہ ہے اور یہ پیرلل چلتے ہیں دو, اور ان کے درمیان سے پھر وہ درے ہیں کہ جن میں سے ہو کر شمالی علاقے سے جو وحشی قبائل تھے وہ آ کر یہاں حملہ کرتے تھے, تاخت و تاراج کرتے تھے, لوٹ مار کر کے چلے جاتے تھے, جن کو یاجوج ماجوج کہا گیا ہے. حتی اذا بلغ بین السدین, جبکہ یہ پہنچے ان دونوں دیواروں کے درمیان, وجد من دونہما قوماً, تو انہوں نے پایا ان دونوں کے ورے ایسے لوگوں کو, لا یکادون یفقہون قولا, یہ لوگ بھی ایسے تھے غیر متمدن, کو بات سمجھتے نہیں تھے, یعنی زبان ایسی ہوگی کہ جو ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی, لیکن یہ کہ کسی نہ کسی ذریعے سے انہوں نے اپنا ایک مطلب, اپنی ایک ارزداشت پیش کی. قالوا یا ذوالقرنین, انہوں نے کہا کہ اے ذوالقرنین, ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض, یاجوج اور ماجوج جو قومیں ہیں یہ زمین میں بہت فساد مچانے والی ہیں. فہل نجعل لک خرجن, تو کیا ہم آپ کے لیے ایک سالانہ خراج مقرر کر دیں, الا ان تجعل بیننا و بینہم سدا, اس کے عوض کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک سد تعمیر کر دیں, ایک دیوار حائل کر دیں کہ وہ ہم پر حملہ آور نہ ہو سکے, ان درے کو بند کر دیا جائے. یوں سمجھیے جس اصول پر کہ آج کل ڈیم بنتے ہیں, ڈیم پہاڑی سلسلہ یوں آ رہا ہے, پہاڑی سلسلہ یوں آ رہا ہے, دریا درمیان میں سے گزر رہا ہے, آپ نے اس گزرگاہ پر ایک دیوار کھڑی کر دی, تو یہ گویا کہ ایک آرٹیفیشل لیک کریٹ ہو گئی, پانی یہاں جمع ہو رہا ہے. تو اگر پہاڑی سلسلے دو چل رہے ہوں, ان کے درمیان جو راستہ ہے اس کو اگر بند کر دیا جائے, ایک دیوار کھڑی کر دی جائے, اور اس دیوار کے مضبوط دیوار ہو, تو ظاہر بات ہے کہ پھر ادھر سے کوئی آ کر حملہ آور نہیں ہو سکتا, ان کے لیے ایک حفاظت کا سامان ہو جاتا ہے. یہاں یہ سمجھ لیجئے کہ یاجوج ماجوج سے کیا مراد ہے. حضرت یافس علیہ السلام, جو تین بیٹے تھے حضرت نوح علیہ السلام کے, سام حام یاسف, یافس, سامی نسل کے بارے میں تو ہم نے بہت کچھ سمجھ لیا کہ حضرت ابراہیم بھی سامی نسل سے تھے, پھر قوم عاد بھی سام ہی کے نسل کی ایک شاخ تھی, قوم سمود بھی اسی کی شاخ تھی, یہ تمام جو ہے یہ تو سیمیٹک ریسز ہیں. حضرت یافس کی اولاد نے یہ سینٹرل ایشین ماؤنٹینز کا جو سلسلہ ہے اس کو کراس کیا اور شمال میں چلے گئے, اور شمال میں جا کر دائیں بائیں پھیل گئے, پھر یہ میدان ہے ٹنڈرے کے میدان اور فلانے میدان اور بڑے بڑے کھلے میدان ہیں. تو گویا کہ ایشیا کو درمیان میں جو سلسلہ کو ہے تقسیم کر دیتا ہے, ایک شمالی حصہ ہے, ایک اس کے جنوبی حصہ ہے, یہ شمالی میں چلے گئے اور جا کر پھر پھیلے. پھیلنے میں وہ مشرق کی طرف آئے تو چین اور ہند چینی تک یہ ساری قومیں جو ہیں یہ یلو ریسز, یہ انہی کی نسل سے ہیں.
और मगरिब में चले तो रूस, और रूस से होकर रूस के साथ मिलता हुआ इलाका ही स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के साथ, फिर वहां से वो उतर कर और यूरोप के भी जो ये मगरबी ममालिक हैं एंग्लो सैक्सन्स जो हैं, ये भी दर हकीकत उसी से स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से उतरे हुए लोग हैं। तो यूं समझ लीजिए कि वेस्टर्न यूरोप और ईस्टर्न यूरोप का भी खास तौर पर शिमाली इलाका, और पूरा ये रूस का इलाका, और पूरा सहराए गोबी, और पूरा सहरा चीन, और वहाँ तक जो है हिंद चीनी तक, ये याफिस की नस्ल है। याफिस के जिन बेटों के नाम तौरात में आए हैं, कई नाम है, वो कोई एक दो नहीं, उनमें गॉग एंड मैगॉग भी है, तोबाल भी है, मॉस्क भी है, मॉस्क एक शख्स का नाम है, और मॉस्को हो सकता है कि उसी ने आबाद किया हो और वहीं से वो नाम बना हो। तोबाल और बाल्टिक सी जो है इस एरिया के अंदर जो है, बाल्टिक स्टेट्स, तोबाल उनके एक बेटे का नाम था, ये तौरात के अंदर नाम दिए गए हैं। गॉग एंड मैगॉग, जाजूद माजूद, ये भी उन्हीं के बेटों के। ये तमाम अकवाम जो है ये वहशी हैं, और ये ताख तो ताराज करना, लूट मार करना, ये इनका तरीका है, और इनका है जिक्र जो यहाँ पर हो रहा है। तो ये जो सैलाब आया था, कॉलोनियल सैलाब जो हम पर आया था, जिसमें कि ये एंग्लो सैक्सन्स थे, ये सब के सब जो हैं ये इसी नॉर्डिक रेसिस से हैं, ये भी याजूज और माजूज की नस्ल हैं। एक सैलाब इनका आ चुका है जो आया था यूरोप के से निकल कर, ये कॉलोनियल सैलाब आया और पूरी दुनिया के ऊपर छा गया था, एशिया और अफ्रीका को इन्होंने फतह किया, कॉलोनाइज किया। अब अगरचे उनकी वो बिसात एक दफ़ा तो लपेट दी गई है, वो वापस चले गए हैं, इनडायरेक्टली हम पर हुकूमत कर रहे हैं अभी उनके जो मल्टीनेशनल्स हैं उनके ज़रिए से, या बैंकों के ज़रिए से, IMF के ज़रिए से, वर्ल्ड बैंक के ज़रिए से इनडायरेक्ट हुकूमत है जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर है। लेकिन ये है कि अभी एक और जो सैलाब इनका आने वाला है वो आता है अहवाल क़यामत के मामलों में, आर्मगेडन के बाद जब हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम का नुज़ूल हो चुकेगा और यहूदियों का ख़ात्मा हो चुकेगा, और फिर ये कि तमाम जो ईसाई हैं वो मुसलमान हो जाएंगे, ईसाईयत ख़त्म हो जाएगी हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम के आने के बाद, और मुसलमान और ईसाई मिलकर एक मिल्लत बन जाएंगे, सब मुसलमान होंगे। उसके बाद आखिरी सैलाब फिर आना है जो इसके खिलाफ, वो अहादीस में आता है, फिर वो याजूज और माजूज का होगा। और मेरे नज़दीक ये याजूज और माजूज जो है वो ईस्टर्न इलाके से आएंगे, चाइना वगैरह से, हिंद चीनी से। आर्मगेडन जो अभी होनी है फौरी तौर पर बड़ी जंग, उसमें ये लोग जो है बैठे रहेंगे, ये जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। ये मिडिल ईस्ट में जंग होगी, यूरोपियन पावर सारी होंगी, क्रिश्चियन पूरी ताकतें होंगी, और इधर जो है मुसलमान होंगे, और हज़रत मेहदी जो जाहिर होंगे, जो अल्लाह ताला एक इनायत करेगा मुसलमानों को लीडर अरब के अंदर, वो पैदा होंगे, मुजद्दिद होंगे, और उनके जरिए से अरब के अंदर एक इस्लामी हुकूमत भी कायम होगी। लेकिन उनके लिए मदद के लिए खुरासान के इलाके से फौजें आएंगी, मशरिक से आएंगी, और ये इलाका जो है वो है जो हमारे करीब है, और हम भी उसी इलाके में हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे कि यहाँ वो हम पहले इस निज़ाम में खिलाफत कायम करें, ताकि यहाँ से फिर फौजें जाएँ और हज़रत मसीह के साथ होकर और हज़रत मेहदी के साथ होकर ईसाइयों और यहूदियों के साथ जंग करें, और बिल आखिर फिर यह कि पूरी दुनिया में इस्लाम का बोलबाला होगा। लेकिन जब ये हो चुकेगा उसके बाद एक सैलाब फिर आएगा याजूज और माजूज का। तो ये चूंकि पूरी एक सिलसिला है, एक नस्लें हैं इसके अंदर बहुत सी, तो इनमें चूंकि तफसीरी एतबार से बहुत सी बातें जो है मुख्तलिफ आरा भी सामने आएंगी, तो मैंने जो राय मेरी है वो आपके सामने बयान कर दी है। उस वक्त भी वो याजूज माजूज थे जो इन शिमाली दर्रों से आकर हमले करते थे। कालू याजुल करनैन इन याजूज व माजूज मुफ्सिदून फिल अर्ध, वो जो मैंने अर्ज़ किया है कि क़यामत के करीब भी मामला होगा, ये सूरह अंबिया की आयात 97-98 है। हत्ता इज़ा फ़ुतिहत याजूज व माजूज व हुम मिन कुल्ल हदबिन यंसिलून वक्तरब अलवादुल हक फ़ैज़ा हिया शाख़िसतुन अबसारुल लज़ीना कफ़रू। अब ज़्यादा दूर नहीं, हम सूरह अंबिया भी करीब ही आ रही है, इंशाअल्लाह वहाँ इसको हम पढ़ेंगे। तो दो जगह कुरान मजीद में याजूज और माजूज का जिक्र है, एक ये जो करीब क़यामत में उनका जो ज़ुहूर होने वाला है, एक उस वक्त का मामला ये छोटा सा था कि जो ज़ुल्क़रनैन के सामने आया है। तो क्या हम आपके लिए एक सालाना खराज तय कर दें ताकि आप हमारे लिए यहाँ एक सद तामीर कर दें, एक बंद बांध दें यहाँ पर। काला मा मकरनी फ़ी रबी खैर, अब देखिए उनका किरदार, उनका मुझे जो कुछ मेरे रब ने दे रखा है, दौलत दे रखी है, माल दे रखा है, वो बहुत बेहतर है उससे कि जो तुम मुझे पेश कर रहे हो, मुझे खराज की ज़रूरत नहीं है। हाँ, तुम्हारी एक ज़रूरत है, मैं वो पूरी कर देता हूँ। फ़ाइनूनी बेकुवतिन, मुझे मैन पावर फ़राहम करो, बाकी सारी सामान जो है मैं फ़राहम कर लूँगा, लेकिन बहरहाल उसको बनाने के लिए, दीवार बनाने के लिए और दोनों पहाड़ों के दरमियान इतनी बड़ी जो सद तामीर करने के लिए जो मैन पावर चाहिए, आयरूनी बेकुवतिन, तो मेहनत के ज़रिए से, मैन पावर के ज़रिए से मेरी मदद करो। अजअल बैनकुम व बैनहुम रदमा, मैं उनके और तुम्हारे दरमियान एक मोटी दीवार बना दूंगा। आतूनी ज़ुबर अल हदीद, लाओ मेरे पास तख्ते लोहे के। हत्ता इज़ा सावा बैन सदफैन, यहाँ तक कि जब दोनों जो ऊँचाने थी उसके दरमियान का पूरा इलाका पुर हो गया, भर गया,
वो लोहे के तख्ते जो है उसके अंदर भरे जा रहे हैं। हत्ताइजा सावा बराबर कर दिया दोनों फांकों तक पहाड़ की, कालन फकू, अब उनका कि आग जलाओ इसके नीचे, वो दहका दी भट्टी जिससे कि अब वो लोहा गर्म हुआ और लोहे की तख्ते वो गर्म हो गए। हत्ताइजा जाड़ू नारन, जबकि वो सारे के सारे लोहे के जो तप गए खुद और सुर्ख हो गए, काला आतूनी उफ्रिक अलह कितरा, तो कहा लाओ मेरे पास पिघला हुआ तांबा के मुआ इसके ऊपर उंढेल दूँ। तो इस तरीके से ग्रीन फोर्स कंक्रीट से भी 10 गुना समझिए मजबूत शय उन्होंने बना दी कि उसमें लोहा और फिर लोहा सीसा या तांबा पिलाया हुआ, तो इस तरीके से एक बड़ी मजबूत दीवार कायम कर दी। इस दीवार के जो आसार अब भी मौजूद हैं, दीवार तो मौजूद नहीं है, ये दारियाल और दरबंद के दरमियान ये कुशादा रास्ता है अब भी, ये वेस्ट कोस्ट जो है कैस्पियन का उसके साथ, इसकी लंबाई 50 मील और इसकी ऊंचाई 29 फुट और 10 फुट चौड़ी ये दीवार थी जो उस वक्त बनी है, यानी जिस तरीके से के बनते हैं बड़े बड़े बंद उनसे भी बड़ी ये थी, सद ताबीर की गई है। असदुल आली कहलाता आसवान डैम जो है, जो मिस्रियों ने बनाया था बहुत बड़ा डैम, असदुल आली ऊंची दीवार। तो हमारे यहाँ ये तरबेला और मंगला ये सब क्या है, ये इसी तरह के डैम हैं कि पहाड़ी सिलसिले आ रहे हैं, दरिया जा रहा था, वहां आपने दीवार खड़ी कर दी, वानी रुक गया और वो झील बन गई। फमस्ताऊ यजहरू हो, तो उन्होंने कहा कि अब ये लोग ना तो ये इस पर इसके ऊपर से आ सकेंगे, इसको न चढ़ सकेंगे, वह मस्तताऊ लहू नकबा, ना इसमें कोई सुराख लगा सकेंगे, नकब लगा सकेंगे। काला हाजा रहमतों मिन रब्बी, ये सब इतना बड़ा कारनामा करके भी उन्होंने कहा यह सब रहमत है मेरे रब की तरफ से, मेरा कोई कमाल नहीं, ये सब अल्लाह की तरफ से है। फैजा जा वादो रब्बी, और जब मेरे रब का वादा आएगा, जा लहू दक्का, वो इस पूरी दीवार को जो है रेजा रेजा कर देगा, ख़त्म हो जाएगी दीवार, अब वो रिवार दीवार वहाँ मौजूद नहीं है, वो ख़त्म हो चुकी है इम्तदाद ज़माना से, अब उसके कोई आसार बाकी नहीं रहे, बस आसार मालूम हो जाते हैं कि यहाँ यहाँ वो दीवार होती थी जिससे ये मैंने डायमेंशन आपको दिए हैं। वकान वादो रब्बी हक्का, और मेरे रब का वादा जो है वो हक है, सच है, पूरा होकर रहेगा। वह तरकना बाज़हुम यौमइज़िन यमूजु फ़ी बाज़िन, अब जब ये वक्त आएगा अल्लाह ताला का क़यामत का वक्त, तो हम छोड़ देंगे उस रोज़ इनको, ये एक दूसरे में गुत्थम गुत्था हो जाएंगे। ये जो कुछ होने वाला क़ुरब क़यामत से पहले, जिस किस्म के लश्कर आने हैं और जैसी जंगें होनी हैं, और ये जो याजूज माजूज जब आएंगे, तो आता है अहादीस के अंदर कि पूरे ये पूरे पूरे दरिया और पूरे पूरे समंदर पी जाएंगे, हर चीज़ खा जाएंगे। और ये मालूम होता है कि चीनियों के हाथ तो ख़ास तौर पर सांप बिच्छू जो शय हो, कुत्ता बिल्ली हर शय चट कर जाते, कोई शय नहीं छोड़ते। और मैं समझता हूँ कि शायद आदमखोर भी हो ये, कि किसी वक्त में जब इनको ज़रूरत पड़े तो आदमी को भी खा जाए, जो कुत्ते को बिल्ली को सांप को बिच्छू को हर चीज़ को खा जाते। तो इन लोगों का मामला जो है वाकईतन ये, जब अभी तो ज़रा रुके हुए हैं, कंटेंड है एक तरह से, लेकिन एक वक्त में इनका बंद खुलेगा। और चूंकि फिर ये जो है तमाम चारों तरफ इनके पहाड़ हैं, हर पहाड़ की ऊंचाई पर से मिनकुल्ले हदबी यनसलून, नीचे उतरते हुए नजर आएंगे। और ये नक्शा बैन ही इसी तरह अखबारात में आया था जब 62 में वार हुई है नीफा में, जो हिंदुस्तान का मशरकी जो इलाका था जहाँ के चीन और भारत की जंग हुई है, तो उसके अल्फाज जो अखबारात में आए थे, वेव्स आफ्टर वेव्स ऑफ चाइनीज सोल्जर्स वर कमिंग डाउन द स्लोप्स, लहरों की तरह मौजों की तरह चले आए। उनके तो इतने आदमी हैं, उनका तो कहना यह है कि तुम सब के सब हलाक हो जाओगे, हमें तुम हलाक नहीं कर सकते, हम तो चींटियों की तरह जो है बिलों के अंदर घुस जाएंगे, एटमिक वारफेयर के बाद तुम्हारा तहस नहस हो जाएगा, हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, हम फिर निकलेंगे और पूरी दुनिया को फतह करेंगे, वो ये कहते हैं। और मालूम होता है कि वाकईतन आखिरी जो भी इस दुनिया का अल्लाह ताला ने जो भी एक निज़ाम सोचा हुआ है, उसमें जो क़यामत से पहले का सबसे बड़ा वाक़या फिर याजूज व माजूज का ज़हूर होगा वो, लेकिन ये कि इसका ये मतलब नहीं है कि जो पहले हुआ है वो नहीं है, इससे पहले भी याजूज माजूज, अगर आज से 2500 साल पहले का मामला भी है तो आज से 400 साल पहले का भी हो सकता था। ये किसी यानी एक पूरे यूँ समझिए नस्ल का नाम है। वह तरकना बाद हम यौमजी यमूज फ़ी बाजन व रफ़ का फिसूर, और फिर सूर में फूका जाएगा, फ़जमा ना हम जमा, और फिर हम इन सबको जमा कर लेंगे। व अरजना जहन्नम यौमजिन लिलकाफरीन अर्ज़ा, और उस रोज़ हम जहन्नम को सामने ले आएंगे काफरीन के सामने, ये है तुम्हारा अंजाम, ये है तुम्हारे लिए जो हमने तैयार किया है। अल्लज़ीन कानत आयुनहुम फ़ी ग़िताइन अन ज़िक्री, वो लोग जिनकी निगाहें हमारे जिक्र से
कोरी हो चुकी थी, पर्दा पड़ा हुआ था उन पर, हम याद नहीं थे, बस दुनिया सामने थी। मुसब्बिबुल असबाब को भूल गए थे, असबाब पर सारा भरोसा था। मादी असबाब व वसाइल, मादी नेमतें, मादी मालो असबाब, मादी चीज़ें जो हैं, यही की चमक दमक, यही की रौनकें, यही की शान और शौकत, इसी के पीछे पड़े हुए थे। वकानू ला यस्तकीउना समअ, और वो समाअत से भी बहरामंद नहीं रहे थे, अब सुन भी नहीं सकते थे, हैवानों का सा सुनना सुनते थे। अब ये आखिरी रुकू आ गया है सूरह मुबारका का, इसमें ये मज़मून एक और तीखे अंदाज में आ रहा है कि दुनिया की ज़िंदगी में जब इंसान गुम हो जाता है तो दर हकीकत यही सबसे बड़ी गुमराही है और यही सबसे बड़ा कुफ्र है और यही सबसे बड़ा दजल है कि दुनिया ने आपको आखरत से गाफिल कर दिया, दुनिया ने आपको अल्लाह से गाफिल कर दिया। ये दुनिया और इसकी चमक दमक से आप इतने मुतासिर हुए, गर्विदा हुए और इस उरूस हज़ार दामाद के ऐसे आशिक हुए कि आप अल्लाह को भूल गए। ये दज्जल है असल, दज्जालियत ये है असल। बाकी एक शख्स दज्जाल हुए करा था, जगह है अपनी जगह पर जिसका फतना आना है, और उसके ज़िमन में भी मैंने अर्ज़ किया था कि मेरी कुछ तहकीक है लेकिन मैं अभी उसको रोक रहा हूँ, मज़ीद उसकी तौसीक अगर मुझे हो गई तो फिर मैं वो बातें बयान करूँगा, इसलिए कि इस मसले में उलमा के माबैन काफ़ी शदीद इख्तिलाफ़ है। अफहसबल्लज़ीन कफ़रू अन यत्तख़िज़ू इबादी मिन दूनी औलिया, क्या काफिरों ने यह समझा है कि वो मेरे बंदों ही को मेरे मुकाबले में अपने हिमायती बना लेंगे? ईसा मेरा बंदा है, क्या वो मेरे मुकाबले में आकर तुम्हारी हिमायत करेगा? अब्दुल कादिर जिलानी मेरे बंदे हैं, क्या वो मेरे मुकाबले में आकर तुम्हारी मदद करेंगे? क्या तुमने समझा मेरे बंदों को वो मेरे मुकाबले में मिंदूनी अपना हिमायती बना लेंगे? इन्ना आतदना जहन्नम लिल काफिरीन नुज़ुला, हमने ऐसे काफिरों के लिए जहन्नम को बना रखा है इब्तदाई मेहमान नवाजी के लिए, उनकी मेहमान नवाजी होगी जहन्नम में। कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीन आमाला, यह है इस सूरत का उमूद, जो मैंने कहा था कि पहले रुकू के अंदर इन्ना जालना मा अलल अर्द ज़ीनतल्लाह लिनब्लुवहुम अय्युहुम अहसनु अमला, यूं समझिए कि एक खूंटा तो वहां गड़ा हुआ है, दूसरा खूंटा यह है कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीन आमाला, कहिए इनसे क्या हम तुम्हें बताएं अपने अमल, अपनी मेहनत, अपनी जिद्दोजहद, भाग दौड़, अपनी सही जो है उसके एतबार से सबसे ज्यादा घाटे में कौन है? मेहनत तो हर एक कर रहा है, जैसे कि हुजूर ने फरमाया कुल्लो नफ्सी यगदू फबायउ नफ्सहु, हर इंसान सुबह होती है तो उसके बाद से अपने आप को बेचना शुरू कर देता है, अपना वक्त बेच रहा है, अपनी सलाहियत बेच रहा है, अपनी एनर्जी बेच रहा है, अपनी औजहानत बेच रहा है, शाम तक बेचता रहता है अपने आप को, कुछ कमा कर लाता है, बेचकर अपने आप को कुछ लेकर आता है। तो ये इंसान जो है इस दर्जे अपने आप को दुनिया के लिए उन्होंने बेच दिया है और हमातन उसी के लिए गुम हो गए हैं, लेकिन इस बेचने में उन्हें नफा कुछ नहीं है, नुकसान ही नुकसान है, सबसे ज्यादा खसारे में कौन है? अल्लज़ीन ज़ल्ला सय्युहुम फिल हयातिद दुनिया, जिनकी भाग दौड़ सयो जोहद दुनिया ही में गुम होकर रह गई, आखरत मतलूब है ही नहीं, वो तो एक ज़मीमा सा लगा हुआ है, मुसलमान है, सुना है वालदैन से रोजा रखना अच्छा काम है, रोजा फर्ज है, रोजा रख लिया है, मतलूब क्या है आपका? असल बात तो ये है जो ज़रवा सनाम मैंने कल नोट कराया था सूरह बनी इस्राइल में, मन काना युरीदुल आजलत अज्जलना लहू फीहा मा नशाउ लिमन नुरीद सुम्मा जालना लहू जहन्नम यसलाहा मज़मूमन मदहूरा व मन अरादल आखिरत व सआलहा सायहा व हुवा मोमिनुन फौलाइक काना सायहुम मशकूरा। तालिब दुनिया हो या तालिब आखिरत हो, तय ये करो, तालिब दुनिया तालिब आखिरत के लिए भी अल्लाह ताला कुल्लन उम्मीदु हाउलाए वहाउलाए मिन अताए रब्बी, दुनिया में उसे हमें रखना है, खाने पीने का बंदोबस्त करेगा, यरज़ुकु मिन हैसु ला यहतसिब, यहां से देगा जहां से तुम्हें गुमान तक नहीं होगा, लेकिन तुम पहले तय करो तुम तालिब दुनिया हो या तालिब आखिरत हो। और सबसे ज्यादा घाटे में वो है मन कुल हल नुनब्बिउकुम बिल अक्सरीन आमाला अल्लज़ीन ज़ल्ल सय्युहुम फिल हयातिद दुनिया वहुम यहसबून अन्नहुम युहसिनून सुनअ, और वो समझ रहे हैं कि अब तो बड़े कामयाब हैं, मेरी एक फैक्ट्री थी अब मेरे तीन मिल लग चुके हैं, मैंने फला ये था मेरे अब इतनी जायदाद बना ली है, मेरे इतने एसेट्स थे और साल ब साल गिनती करके हम तो कामयाब हो रहे हैं। वो समझते हैं कि हम कामयाब हैं, हम हमारी मेहनतें बराबर हो रही हैं, हमारी ये दिन रात की कोशिश जो है वो नतीजा खेज हो रही है।
اولئک الذین کفروا بآیات ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کا انکار کیا، چاہے کہتے ہو کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، لیکن حقیقتاً اگر طالب دنیا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کر رہا ہے. اللہ تو کہتا ہے اصل زندگی وہ ہے، ان دار الآخرت لہی الحیوان، تم اصل زندگی اس کو سمجھے بیٹھے ہو، تو تم نے کہا اللہ کی بات کی تصدیق کی، تم نے تو اللہ کی بات کو جھٹلایا ہے. اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائه فحبطت اعمالهم، یہ جو جھوٹی پھوٹی کوئی نیکیاں کرتے ہو اپنے دل کی تسلی کے لیے، جھوٹے تسلی دینے کے لیے، کوئی مسلی کھلا دیے، کوئی غریبوں کا کام ہو گیا، کوئی کسی کے لیے، یہ کام، یہ نیکیاں ہمارے ہاں قطعاً کی کوئی حیثیت نہیں، ان کے سارے اعمال اس قسم کی نیکیاں ہبط ہو جائیں گی. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، تو اس دن ہم ان کے لیے قیامت کے دن جو ہے کوئی ان کا وزن قرار نہیں دیں گے، یا ان کے اعمال کو تولیں گے ہی نہیں. اعمال تو ان کے تولیں گے جن میں ایمان ہو، جن میں ایمان ہی نہیں ان کا اعمال کیا تولنا ہے. فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا. اب یہ ہے دو مقامات جو میں نے کہا ہے کہ ایک کھوٹا وہاں ایک کھوٹا یہاں. اسی لیے ابتدائی آیتیں اور آخری آیتیں سورہ کہف کی، خاص طور پہ دجالی فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے ان کو یاد رکھا جائے، ان کو پڑھا جائے، اور یہ کہ اللہ توفیق دے تو ہر جمعے کو سورہ کہف کی تلاوت کی جائے. درمیان میں پھر میں نے بتایا تھا زینت کا لفظ آیا، تُرِيدُ زینت الحیات الدنیا، کچھ اور آگے چل کر المال والبنون زینت الحیات الدنیا. تو یہ زینت دنیا اور زیبائش اور آرائش، اور یہ تمہیں اپنے اندر گم کر لیتی ہے، تمہیں نہ خدا کی ہوش ہے نہ آخرت کی ہوش ہے. ذالک جزاؤہم جہنم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ جہنم ہے، بما کفروا، بسبب اس کے کہ انہوں نے کفر کیا، واتخذوا آیاتی ورسلی ہزوا، اور انہوں نے میری آیات اور میرے رسولوں کو ٹھٹھا سمجھ لیا. رسول آ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل زندگی وہ ہے، یہ سمجھتے نہیں یہ ہے. مان لیا ہوگی آخرت، چلو دیکھا جائے گا، کچھ نہ کچھ تو ہے نا، کچھ نیکیاں بھی ہم نے کر رکھی ہیں، اور کچھ بہرحال ہمارے بچانے والے بھی ہیں، ہم سب بھی جو ہیں آخر حضور نے شفاعت ہماری کری دینی ہے. جیسے یہودی کہتے تھے کہ ہم تو یہودی ہیں، تو ہم تو اللہ کے بیٹوں کے مانند ہیں، چہیتے ہیں، لاڈلے ہیں. اب وہ آخری حصہ، ان الذین آمنوا، جب ان کفار کی کیفیت یہ ہے، اور کفار سے مراد یہاں پر وہ منکر نہیں ہے، وہ کفار ہیں جو حقیقت کے اعتبار سے طالب دنیا بن گیا، چاہے اس نے لیبل اسلام کا لگا رکھا ہو، مسلمانوں کا وہ بہت بڑا لیڈر ہو، قائد ہو، کچھ بھی ہو، جو طالب دنیا ہے فی الواقع وہ ہے در حقیقت کے جو اصل کافر ہے. جس کو کہ ایک بزرگ کا قول جو ہے بہت عرصے بعد آج مجھے یاد آیا ہے کہ جو دم غافل سو دم کافر. اسی طرح جو شخص طالب دنیا ہے حقیقت میں وہ کافر ہے، قانوناً وہ مسلمان ہوگا، مسلمان ہو، مسلمانوں کا لیڈر ہو، وہ پیر ہو، وہ بڑا عالم ہو، کچھ بھی ہو، لیکن طالب دنیا، اصل طالب دنیا کا ہے یا آخرت کا، یہ طے کرنے والی بات ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، اس کے برعکس وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ایمان کے سارے تقاضوں کو بھرپور طور پہ ادا کیا، یہ وہ لوگ ہوں گے جن کے لیے ٹھنڈی چھاؤں والے باغات ہوں گے، ان کے وہاں پر مہمان نوازی نزل ہوگی. نزل ابتدائی، بڑی اونچی جو ہے اس کائنات کے اندر گیلیکسیز ہیں، کہاں کہاں پھر جنتیں ملیں گی، اہل جنت کو اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اس میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ایک اوپر کے درجے والے کو نیچے درجے والا جنتی ایسے دیکھے گا جیسے تم زمین پر بیٹھ کے ستاروں کو دیکھتے ہو. یہ پوری کائنات آخر کس لیے بنائی ہوئی اللہ نے؟ کتنے اور سیارے ہیں اور کتنی اور جگہیں ہوں گی، کہاں کہاں اللہ تعالیٰ جو ہے جنتیں دے گا، لیکن پہلی نزول جو ہے یہی ہونا ہے اسی زمین پر. قصہ زمین، برسر زمین. خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور ان کے لیے، اور پھر وہ نہیں چاہیں گے کہ اس سے ان کو کہیں اور بھیج دیا جائے. یعنی یہ کہ جنت ایسی جگہ نہیں ہے جہاں جی اکتا جائے. آپ دنیا میں تو اچھی سے اچھی جگہ کا تصور کریں، مستقل رہنا پڑے گا تبھی تو اکتا جائے گی. کشمیر میں جو رہتے ہیں ان سے پوچھئے کہ کیا وہاں خوبصورتی خوبصورتی انہیں تو نظر نہیں آتی. سوئٹزرلینڈ والوں سے پوچھئے کہ یہاں کے بہت خوبصورتی ہے، انہیں تو کہیں نظر نہیں آتی، ان کے لیے تو مصیبت ہی مصیبت ہے، ہر وقت برف کے طوفان ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے. لیکن یہ کہ ہمارے لیے تصور اور ہے، بدترین جگہ بھی دنیا کے اندر جو ہے وہ ایسی ہے کہ جہاں تھوڑی دیر کے لیے آدمی جائے گا تو وہاں اسے کچھ چینج کی وجہ سے کچھ ریکریشن ہو جائے گی، لیکن زیادہ دیر ٹھہرنا پڑے گا تو مصیبت ہو جائے گی. اور بہترین جگہ بھی وہ ہے کہ جہاں مستقل رہنا پڑا تو پھر یہ کہ وہ اس کے لیے بور ہو جائے گا وہ. لیکن جنت ایسی جگہ ہے کہ وہاں سے پھر آدمی کہیں ٹلنا نہیں چاہے گا. دو آخری وہ آیات، اب یہ پھر توحید کے دو بہت بڑے خزانے. قل،
لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. سورہ بنی اسرائیل کی آیت میں اللہ کے اسماء کا ذکر تھا، ولد اللہ عبد الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنى، یہاں اللہ کے کلمات کا ذکر ہے. کلمات سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی ہر شے جو اس نے پیدا کی ہے اس کے ایک کلمہ کن کا ظہور ہے، کل مخلوقات اس کے کلمات ہیں. تو کیا کوئی انسان ہے جو اللہ کی جملہ مخلوقات کا احاطہ کر سکے؟ اگر اس زمین کا پورا سمندر جو ہے وہ سیاہی بن جائے اپنے رب کے کلمات کو لکھنے کے لیے، سمندر ختم ہو جائے گا لیکن اللہ کی کلمات ختم نہیں ہوں گے، چاہے اتنی ہی اور بھی اس کے لیے سمندر لے آئیں سیاہی بنا کر. ایک اور جگہ بھی مضمون یہ آیا ہے کہ تمام زمین کے جتنے بھی درخت ہیں وہ قلم بنا لیے جائیں، اور جتنے سمندر ہیں اور ان کو سات اور سات گنا سمندر بنا دیا جائے، اور وہ تمام قلم جو ہے لکھنے لگے اللہ کے کلمات کو نہیں لکھ سکتے. وہ سمندر ختم ہو جائیں گے، سیاہی ختم ہو جائے گی، اقلام ختم ہو جائیں گے. وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ شَجَرًا وَأَقْلَامًا، یہ الفاظ آئیں گے انشاءاللہ تعالی. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل ان تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. اور آخری آیت، وہاں اللہ تعالی کی شان، قل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اب شکل کیا ہوتی ہے شرک میں؟ یا تو اللہ کو اوپر سے اتار کر نیچے لے آتے ہیں، انسانوں کی صف میں، مخلوقات کی صف میں کھڑا کر دیا، یا انسانوں میں سے کسی کو اٹھا کر اور خدا کے برابر کر دیا. وہاں اس کی نفی ہے اللہ کا بلند مقام، یہاں انسانوں کو کہیں خدا کے برابر شریک نہ کر دو. تو یہاں فرمایا قل انما انا بشر مثلکم، اے نبی کہہ دیجئے میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. یوحا الی انما الہکم الہ واحد، مجھ پر وحی کی جا رہی ہے کہ تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، اکیلا ہے. فمن کان یرجو لقاء ربہ، تو دیکھو جو کوئی بھی اپنے رب سے ملاقات کا امیدوار ہو، فلیعمل عملا صالحا، اسے عمل کرنے چاہیے نیک، ولا یشرک بعبادت ربہ احدا، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. عبادت خالص اللہ کی ہو، توحید عملی. لا تعبدوا الا اياه، قضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا. یہ کہ جیسے حضرت مسیح کو خدا بنا دیا، یا فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں بنا دیا، یا جیسے ہمارے ہاں بھی میں نے آپ کو وہ شعر سنایا تھا، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا وہ مدینے میں مصطفیٰ ہو کر، اب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا بنا دیا، یا یہ کہ حضرت علی کو خدا بنا دیا. ہر چند علی کی ذات نہیں ہے خدا کی ذات، لیکن نہیں ہے ذات خدا سے جدا علی. اور غالب صاحب کہتے ہیں کہ مشغول حق ہوں بندگی ابو تراب میں، میں جب حضرت ابو تراب حضرت علی کی بندگی کرتا ہوں تو میں گویا کہ در حقیقت اللہ کی بندگی کر رہا ہوں. اور یہاں آغا خانیوں میں جو ہے دشم اوتار ہیں حضرت علی، نو اوتار ہندوؤں کے پہلے تھے، دسویں اوتار حضرت علی ہیں. تو یہی کچھ ہوتا ہے. قل انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربہ احدا.